पल छाँव रे यहाँ से लाहौली शुरू होता है। 100-150 खिड़कियों का छोटा सा गांव है। भोले भाले लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी जीने वाले। आज मंजिरा की गोद में पानी नटखट बच्चे जैसा उछलता है, खेत खलियान लहलहाते हैं। मगर कुछ सालों पहले यहाँ भयानक सूखा पड़ा था। तेवर बिगड़े सूरज ने मंजिरा के पानी के साथ गांव वालों की खुशियों को भी भाप बना दिया। लोगों ने पहले बर्तन, फिर गहने बेचे, आखिर बला घर जमीन तक आधड़ की। मंदिर में मन्नतें मांगी, चर्च में घुटने खंभों जैसे गाड़ दिए, मगर किसी भगवान ने आशीर्वाद के हाथ का बादल सर पर नहीं रखा। सिर्फ एक हाथ आगे बढ़ा, गांव की ठकुरानी का। उसने एक नहीं बल्कि दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक हाथ से बांटती तो दूसरे से बटोरती। गांव वाले अपना घर बार खेती बाड़ी ठकुरानी के पास गिरवी रख पैसा उठाते और गुजारा करते। पूरे गांव की धन दौलत ठकुरानी ने अपने जूड़े में बांध ली। तब कहीं भगवान ने आंखें खोली। फिर एक बार बादल शामिल हुआ, पानी बरसा, मंजीरा लहरों से खनकने लगी, खेत फिर हरे हो गए। लेकिन गांव वालों की कुंडली से शनि हटा नहीं। ठकुरानी का हिसाब कुछ ऐसा है कि गिरवी रखी जमीन छुड़ाना तो दूर, उसका सूद भी कोई अदा नहीं कर पाया आज तक। कोई कर्जे से मुक्त नहीं हो पाया। अब गांव में कोई उत्सव त्योहार जलसा कभी नहीं होता। शादी ब्याह में लोग मिठाइयों के लिए तरसते हैं और मंदिर में भगवान भोग के लिए। भोग चढ़ता है तो सिर्फ ठकुरानी को। बाजे। ये हैं बाजे, मतलब बाज बहादुर, ठकुरानी का इकलौता सगा भाई और इकलौता जिंदा रिश्तेदार। चिकना बना दे। ये काम नहीं कारनामे करते हैं। कभार लीला राम की अकल भी ऐसे धोखा खाती है, मगर फिर भी उसे इस बात का गर्व है कि कॉलेज की दहलीज को छूकर वापस आने वाला पूरे गांव में वो अकेला आदमी है। मगर साहब, पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं, कहीं नौकरी वोकरी मिली नहीं। ऐसा नहीं कि मौका हाथ नहीं आया, लेकिन जब आया तो लीला ने मुट्ठी बांधने के बजाय खोल दी। हम जनगणना के लिए यहां आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर घर की औरत से पूछना कि घर पे लोग कितने हैं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे कितने हैं, इन सवालों के जवाब घर नंबर के साथ लिखकर मुझे देना है, बस। ठीक है। का है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं, आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। अरे बेवकूफ, बच्चे कितने हैं पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? छह। छह हैं। आपकी शादी हुई है? बेशरम। तो साहब, जब कोई सूट बूट वाली इज्जतदार नौकरी पकड़ने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने लॉटरी बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसी से गुजारा होता है आजकल। गांव का दूसरा खास आदमी है बलवंत। बलवंत के पास जादू है। उसकी 20 में से 18 गायें गिरवी पड़ी हैं ठकुरानी के पास, और सिर्फ 2 गाय के दूध से बलवंत पूरे गांव को नहलाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई पर जलने वाले कुछ मनहूस लोग कहते हैं बलवंत दूध से ज्यादा पानी बेचता है, लेकिन ये बात उसके मुंह पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि बलवंत अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। वो घटना कुछ ऐसे बनी।
क्या हुआ? अरे तुम लोग बुड़बक हो का? कहाँ है बच्चे को इतना नजदीक आने दिया कुएं के? साला धक्का कौन दिया? कौन दिया धक्का साला? वो जो भी हो, गांव के एक आदमी को बलवंत से बहुत खुन्नस है। वो है कन्हैया। नफरत करने के बावजूद कन्हैया बलवंत के घर नौकर है और मुफ्त में काम करता है। उसकी गाली गलौज बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि उसके बचपन के प्यार सुखमणि से रोज मिलने का ये एक ही रास्ता है। तो देखते हैं इस गांव की कहानी। कल रात पंचायत ने चौधरी के घर का बंटवारा कर डाला। हाँ, सब ठीक हुआ। हाँ, पर तू कहाँ था? हम सतपुर गए थे लॉटरी का टिकट बेचने। सुबह जल्दी निकले थे, रात को देर से वापस आए। तो तेरा धंधा बढ़ गया? का धंधा बढ़ा, लॉटरी का टिकट बेचने से काम मिलता है बल्दी। इनाम लगेगा किसी को तब जाके 10% कमीशन मिले है, वरना कहाँ बात बनती है। वो पिछले साल वो बिरजू लोहार को 500 का इनाम लगा। हाँ, तब जाके हमारा कमीशन हुआ 50 रुपया। बस तब से सूखा ही सूखा है। धंधा तो तेरा अच्छा है, दूध बेचने से पैसा नहीं मिला तो दूध पीकर पेट तो भर सकता है। अरे तेरी तो चारों उंगलियां घी में हैं। कैसे? ऐसे कि ना तो इंसान अपने भाग्य के पीछे भागना बंद करेगा और ना तेरा लॉटरी का धंधा बंद होगा। खरीदते रहेंगे लॉटरी ससुरी, कभी तो लगेगी। एक कतार आगे नहीं बढ़ रहा। डाकन फटफटी में कमीनी गहने की दुकान। ए रुक रुक, कहाँ जा रही है? लक्ष्मण जी, इस मनहूस को पानी देने के लिए किसने कहा था? पिछले 3 महीनों से इसने अपना उधार नहीं चुकाया है। पेट से हूँ ठकुराइन, इसलिए। अरे पेट से है तो गिरा दे, जा जाकर काम कर, 4 पैसे कमा और मुझे दे। काहे की करम जली? करम जली है ससुरी। करम जली। अच्छा, पिछले 3 दिन से तो ठीक है। मैं वो बाबू बाबू यहाँ रुकी। यहाँ मैं धूप में एड़ियां रगड़ रगड़ के पानी खरीद कर लाता हूँ और तू पानी नष्ट करता है? अब जवाब काहे नहीं देता? सांप सूंघ गया क्या? अबे जमीन में खजाना गड़ा है कहा? जा सुखमणि से कपासिये की 3 पुड़ियां लेकर आ। जी। अब ए सुखी, नीचे नीचे एक पप्पी दे ना। अरे क्या कर रहे हो? बापू बाहर है। बापू? उन्होंने खुद का लेने के लिए। का? बापू ने खुद का? चल ऐसा हो ही नहीं सकता, चल भाग। अरे वो खुद का है तो मान जाएगी ना? तो देख एक मालिक। अरे तुम मालिक, मैं सुखमणि से ले लू। अरे कहा तो है, ले ले, पूछता कहा है? देखा 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 मालिक, वो मना कर रही है। बापू आपने बोला है? हाँ सचमुच। अरे इसमें इतना पूछने जैसा कहा है? देखा, चल जल्दी चल। अरे मालिक, सुखमणि ने सिर्फ एक ही दिया है। अरे इसमें इतनी तोल मोल का है कि सोना है कि चांदी? 3 दे दे। 3? हाँ 3 दे दे जल्दी। एक एक दस। नहीं नहीं नहीं, अब तो जाओ अब तो जाओ। ठीक है, एक और बार पूछता हूँ। कन्हैया एक बात बता, तूने बाबू को पटाया कैसे? अरे फिजूल की बातें छोड़ो ना। इतने साला हरोनी गुर्जर की औलाद।
और तू बेशरम। बापू लेकिन आप ही ने तो कहा था। अरे कपसिया देने को कहा तो बप्पी दोगी। खैर आरामी, जेब में अपनी भांग के पैसे नहीं और चला है मेरी बेटी से इश्क लड़ाने। अरे वो अरे काहे भाग रहा है काने? बाबू तू भी भाग, बल्लू चुरा लेके पीछे पड़ा है। काहे पगला गया है? बेटे को मैं बाद में देख लूंगा, पहले बाप की मुंडी मरोड़ता हूँ। मेरे पास पान पत्ता खरीदने का पैसा नहीं है, तेरे से 1000 रुपए का उधार कैसे चुकाऊंगा? और फिर भागने से क्या फायदा? क्या फायदा क्या भागने से? अरे सुअर, तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे, कुछ तो वसूली होगी। अरे हरामी, तू दूध बेचता है कि पानी? तू कमीना है, कमीना। अरे मेरा काना कितने सालों से तेरी गुलामी करता है, क्या देता है तू उसको? तू चोर है, लुच्चा है। भगवान करे आज से तेरी गाय दूध के बदले पानी दे और उस पानी में तू डूब मरे। हाथी पर चढ़ते ही राजा बन गया तू भिखारी। नीचे उतर, नीचे तेरी जात का। कभी तो तेरे पांव जमीन पर पड़ेंगे, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा चमगादड़। ये भीमा दांत काय निकाल रहा बे? अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जरा रास्ता दीजिए, हमारे मंगलिया को जाना है। हट हट, चल बेटा मंगलिया, चल रे मेरे मंगलिया। हमारा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है, और हाथी चलाने के लिए कंडक्टर रखा है। फरियादी है सतपुर गांव के सुतार गोविंद भाई, और आरोपी है लहोली का गुल्लू। गुल्लू रानी से मंडी में मिला, दोनों में प्यार हुआ, और गुल्लू ने शादी का वादा किया है रानी से। अब रानी पेट से है और गुल्लू शादी से मुकर रहा है। हाँ, अब बस यही चाहते हैं, गुल्लू रानी से शादी कर ले। ये नहीं हो सकता, किसी और के बच्चे का बाप मैं नहीं बनूंगा। ये गुल्लू तू चहक मत ज्यादा, पंचायत अपना काम कर रही है ना। रानी के बच्चे का बाप गुल्लू ही है, इसका क्या सबूत है? सबूत कहाँ सबूत और कहाँ से लाए, हमारी बिटिया सच कहती है। हाँ, ऐसे मामले में औरत की जुबान ही सबूत होती है। लो हो गया मर्दों का काम, अब कल को उठ के कोई भी कलमुही हम जैसे बाके नौजवान पे उंगली उठाएगी तो क्या हम शादी करके बर्बाद हो जाए? शांति शांति, तुम्हारी बेटी की जुबान के सहारे हम गुल्लू को शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते, पंचायत बर्खास्त होती। चल गुल्लू जान छुट्टी। ये न्याय है या पान की पिचकारी? ये हमारा फैसला है और हमारा फैसला पंचायत का फैसला है। तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए, हम गुल्लू और रानी का ब्याह अगली पूर्णिमा के दिन रचाएंगे। मुहूर्त पे गुल्लू खड़ा हुआ तो ठीक, वरना उसकी लाश को लिटा देंगे। अरे अगर किसी लाहौलिया ने सतपुर में कदम रखा तो खून की नदियां बहा देंगे। तुम भी सुनो, अगर किसी सतपुरिया ने आंख उठाकर भी देखा ना तो लाशों के अंबार लगा देंगे। देख लेंगे, जो करना है कर लेना। तुम्हारे चप्पली चप्पल मारूंगा सारे, तुम्हारी माँ का नाका। चल गुरुआ, देखते हैं साले क्या करते हैं। पांडे एक ग्लास। हाँ, लोग दिन में चाय पीते हैं, आप दारू पीते हो। एंथोनी भाई, इस नशे ने आपका घर आंगन खेती बाड़ी सब खाया, अब तो होश में आओ। अरे क्या शांति, एक जमाने में आपकी ठकुराइन भी जलकर राख होती थी। ना बीवी ना बच्चा, पैसे बचा कर क्या करूंगा है? और तू क्यों फिक्र करता है साले, तेरे बाप के पैसे की पीता हूं क्या? गुल्लुआ अपने काम पे लग जा। रुक, साले दिखता नहीं अंधेदास। सब भिगो दिया। सुनो चुन्नी, एक काम करो, वहां घुसल खाना है ना, वहां जाके साफ कर लो। जाओ ये तुम लोग पानी दो, जाओ साफ कर लो, जाओ जाओ। अब इनको तो आने दो, इनको तोड़ता हूं मैं। साले रास्ते चलते कोई दिखता नहीं है। ए पांडे एक चाय देना। आ जाओ। तारा, हाँ। हम जा रहे हैं। घर में एक को अनाज का दाना नहीं है, पर आपको का छाता उठा के चल दिए।
पानी तो है ना घर में? हाँ हाँ बहुत है, कहो तो डूब मरूं। भूल गई, एक जमाने में घर में पानी भी नहीं था और आज है तो कीमत नहीं है। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? और गट्टू को भी पानी ही दो, इकलौता बच्चा है मेरा, मगर कोई लाड़ प्यार नहीं, कुछ तो फिक्र करो तुम। मेरे सामने गला फाड़ने से क्या फायदा, भगवान से प्रार्थना करो कम से कम इस गांव में किसी को 2-3 हजार का लॉटरी लगे तो शहर जाकर टिकट के पैसे रहो तो कम से कम 100-200 का कमीशन छूटे मेरा, फिर हमको खाना मिले ना मिले तेरे गट्टू का पेट भरा रहेगा। गट्टू 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 बेटा नहीं बोझा पैदा। ए लीला, लीला देख हमारे टिकट को इनाम मिला है, सारे मुखड़े वही है देख। अरे मुखड़े नहीं आंकड़े गवार, ये तेरा 666 है और ये अंग्रेजी में 999 है, ये गलत है, इसे उल्टा करेंगे तो ये वही है। ये टिकट उल्टा करेंगे तो नंबर बदल जाएंगे ना बेवकूफ, ले। कैसे, हम अपने आप को पेड़ पे उल्टा लटकाएंगे फिर भी आदमी हम वही के वही रहेंगे ना लीला, तो ये मुखड़े कैसे बदल जाएंगे? रे गंवारों के मुखिया भैया, तेरे चूल्हे में गिली लकड़ी भरी है, फूंक रहा हूं जलती नहीं, समझता नहीं है, ये इनाम तुझे नहीं मिला है और ये पिछले महीने का टिकट है, कितनी बार कहा कि पुराने टिकट फाड़ के फेंक दिया करो बेवकूफ साले, नंबर उल्टा करो, चमगादड़ को उल्टा करने से मोर नहीं बनता। मालामाल लॉटरीज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, हम फिर एक बार आ गए हैं आपकी रोती सोती किस्मत को जगाने के लिए। कहाँ चलता है इस लॉटरी के मामले में, कौन सा नंबर आया और कौन सा गया, ये हमारी समझ में कुछ नहीं आवत है लीला, एक तुम ही हो जो सब जाना था। और अब बारी है बम्पर इनाम की, मालामाल लॉटरी का पहला बम्पर इनाम है 1 करोड़ का और नंबर है PA13765। सभी भाग्यशाली चाय का हुआ, मिला किसी को कुछ? नहीं, किसी को भी कुछ नहीं मिला। अरे तेरी चाय नहीं, चाय गंदा बच्चा, नहाना धोना कुछ नहीं है। तारा 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 पानी ला, पानी ला, पानी। लो, का है, तबियत तो ठीक है तुम्हारी? और दे। का हुआ का, बोलो ना। बता दो। सुनो, हम एक राज की बात बताते हैं, किसी से कहना नहीं। हाँ? का? पिछले हफ्ते जो हमने इस लॉटरी के टिकट बेचा था ना गांव में, उसमें से किसी को पहला इनाम लगा, फर्स्ट प्राइस। सच? कौन है वो नसीब वाला? मैं नहीं जानता और गांव में भी किसी को नहीं पता, अगर हम ये नंबर बोर्ड पे नहीं लिखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लिखो। नहीं नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। सोचो, इतने सारे पैसे, ये पूरा लॉटरी का इनाम हमें मिल जाए तो ये कैसे हो सकता है? पराया धन अपना कैसे हो सकता है? अरे पराया थोड़ी अपना ही तो है, अगर मैं टिकट बेचता ही नहीं तो खरीदता कैसे? मैंने बेचा तब जाके उसने खरीदा ना, नहीं तो क्या खरीदता कद्दू? और पता है इनाम की रकम कितनी है? 1 करोड़। गंगा मैया, इतना सारा पैसा! तो किसी को भी कानो कान खबर लगे उससे पहले ही पैसे हड़प लेने, समझी? वो कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, पिछले 1 साल से गांव में किसी को भी लॉटरी का इनाम नहीं लगा है, तो गांव वालों का दिल रखने के लिए मैं उनको दावत पे बुलाऊंगा, जो टिकट दिखाएगा वो पकवान खाएगा और जो टिकट नहीं दिखाएगा उसको तो मैं खाना सूंघने भी नहीं दूंगा। पैसा कहाँ है दावत के लिए? वो तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, लेकिन लेकिन एक रास्ता। लेकिन तू गुस्सा मत होना, देख ये मैं जो कर रहा हूँ वो अपने भले के लिए कर रहा हूँ ना। अब तू ही सोचिए, ये 100-125 लोगों को हम दावत पे बुलाएंगे तो खर्चा कम से कम 800 हजार का तो होगा, होगा कि नहीं? और अपने खपरेल घर में कुछ बचाए ऐसा कीमती की चीज नहीं है, है,
एक चीज है, लेकिन लेकिन तू गुस्सा मत होना। बोलो भी। हम करमकली के पास गिरवी रखे तो अपने गट्टू को? नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं चाहिए मुझे पैसा वैसा। मैं मेरे बच्चे को बेच नहीं सकती। तुम्हारा तुम्हारा दिल है कि पत्थर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम क्या समझती कि हम अपने गट्टू से प्यार नहीं करते? हाँ नहीं करते, वरना तुम ऐसी बात नहीं करते। अरे बाबा, कुछ ही दिनों की तो बात है। अब आज हम गट्टू को गिरवी रखेंगे, कल दावत देंगे, और परसों तो लॉटरी के पैसे आ जाएंगे, और तरसों गट्टू फिर से गोद में खेलेगा। और हम गट्टू के भले के लिए ही गट्टू को गिरवी रख रहे हैं। ये रोने का नहीं तारा, सोचने का वक्त है। सोचो 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 सोचो। इसका क्या करूं? नौटंकी करूं? तू ही रख। पेट में भूख बचती है ठकुराइन, अब इसे बजाने की नौबत नहीं आती। जो देना है दे दो। 5 रुपए दे दो। दावत? और हमारे गांव में? मजाक तो नहीं कर रही है? लो, पूरा गांव जानता है और तुझे नहीं पता? लेकिन इतने सारे पैसे लीला चाचा के पास आए कहाँ से? चोरी किया, डाका डाला? वो नहीं पता, तेरे बापू को नेवता नहीं है? नहीं। टिकट खरीदा था उसने? नहीं। बापू कहते हैं लॉटरी खरीदना मतलब अंधेरे अंधेरे में गूंगे पर तीर मारने जैसा है। तभी तो जिन्होंने टिकट खरीदी थी सबको बुलाया है। पूरिया रबड़ी बनने वाली है, नौटंकी भी है। बड़े छुपे रुस्तम है हमारे गांव वाले। कहते हैं चबाने को चने नहीं और चले नौटंकी नाचने। कौन का गहना सोना पहन के आया था मुझे बताना। ये आया चल जल्दी चल, बहुत देर हो गई ना। ये और दो। रुक, ताले आंखें फोड़ दूंगा तेरी, सुअर के बच्चे। देखो चुनरी चोली सब गंदी कर दी। ओफो, वहां गुसल खाना है ना, वहां जाके साफ कर लो। जाओ जाओ चल नीरू। जाओ जाओ, साले जंगली शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, यहां क्यों खड़ी है? भैया देखो ना भैया, किसी सरफिरे ने सुखमणी पे गंदा पानी उछाला, वो वहाँ अंदर साफ कर रही है। भैया साले, तू मेरा ऊपर हाथ उठाया तूने? अरे आप उठा कर देखा तो आप फोड़ दूंगा मैं, वो मेरी होने वाली बीवी है। तू साला नौकर है, नौकर जो पैर की जूती को कलम नहीं पहनाता। अबे फटे ढोल, पैदा हुआ तब से सुखमणी से प्यार करता हूँ मैं, उससे शादी मेरी होगी, मेरी। गांव में अकेला सजीला नौजवान 23 आदमी हूँ मैं, देखता हूँ सुखमणी से कौन शादी करता है। तेरे सामने मैं शादी करूंगा उससे, छोड़ कर दूंगा। अरे जाओ यार घर जाओ, चलो छोड़ो झगड़ा। काहे लड़ाई कर रहे हो? दोनों घर जाओ। चल चल भैया, भैया तुम भी आ जाना। इस जमीन से कोई लाभ नहीं होने वाला, 6 महीने में बंजर हो जाएगी, खरीदना बेकार है। मुनीम जी सौदा तोड़ दो। जीजी जीजी, अभी कभी शादी करनी है। बाजी ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? प्यार। कब? अभी आधा घंटा पहले, और अभी कभी शादी करनी है। भांग पे बंदर जैसे मत उछल, ना लड़की ना मुहूर्त ना बारात, कैसे करेगा शादी? सुखमनी से। क्या? हाँ। वो दूध वाले भैया की लड़की? हाँ, हाँ। अरे मत मारी गई है तेरी, दहेज में सिर्फ गोबर और घास मिलेगी, हम तुम्हारे लिए कोई रईस लड़की ढूंढेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुखमनी चाहिए। अरे निकम्मे, तुझे दूध बादाम खिला पिला कर बड़ा किया मैंने, मेरा पैसा वसूल कब होगा? देख मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी धन दौलत में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। और तू चला घुटने पे सहरा बांधे, ना कुंडली मिलाई ना पत्रिका देखी। काहे की पत्रिका, काहे की कुंडली, मेरी जान अटकी उस लड़की में। ठाकुरानी जी, श्रीमान ने बात बहुत अच्छे समय पर निकाली है, घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी।
आप ये गरीब के घर में? हाँ, हमारा घर तो पवित्र हो गया। आइए अंदर आइए। क्या फायदा, हम यहाँ कुछ मकसद से आए हैं। जी फरमाइए ठकुराइन। हमारे भाई बाज बहादुर को तेरी बेटी भाग गई है, प्यार रचाना चाहता है वो उसके साथ। बलवंत, तेरी पांचों उंगलियां घी में है, भगवान का शुक्र मना। ना दहेज ना नाक नक्श, ऊपर से बढ़ती उम्र। 4-5 दिनों में हम पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। तुम्हें स्वीकार है? राजी ठकुराइन, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमरे तो भाग्य खुल गए, चिराग लेकर भी ढूंढने तो भी हमें ऐसा सोने जैसा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है, तो इसे स्वीकार कर लो। ठकुराइन तनिक रुकिए, बिटिया को आशीर्वाद देकर जाइए। सुखी सुखी ए, सुखी सुखी जान ले, मैं जो भी करता हूं तेरी भलाई के लिए करता हूं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी उस भोंदू से। तो मेरे गले का फंदा बनकर बैठी रहेगी यहां जिंदगी भर? 3-4 साल से तेरी उम्र 21 बता रहा हूं, अब ये झूठ कब तक छिपेगा? जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है सुखी, मेरी नींद उड़ रही है। कुछ तो तरस कर अपने बूढ़े बाप पर, लेकिन तेरी अक्ल में तो कील गाड़ी है उस लोफर ने, और तुमसे 1 साल छोटा भी है। ना पैसा ना जमीन जुमला, बरसात में हर दूसरे दिन छुट्टी लेता है। क्यों? क्योंकि एक ही लंगोट है और वो सूखा नहीं। हाथी गिरवी पड़ा है करमकली के पास और बची हैं 4 मुर्गियां। क्या खाक सुख मिलेगा तुम्हें उस झोपड़े में? शादी के बाद सब मर्द एक बन जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटी, मैं तेरा सगा बाप हूं, तेरी भलाई चाहता हूं। ठकुरानी की बहू बनोगी तो पूरे गांव में राज करोगी, राज। मुड़ जा। स्वामी जी आगे बढ़िए, हम भिक्षा नहीं देते। अरे नहीं नहीं बलवंत, मैंने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा, मेरा कर्जा चुकाने का? हाँ, लेकिन उसके लिए एक प्रस्ताव है, मैं अपना बेटा तुझे दे रहा हूँ। मतलब? अरे मतलब मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करने के लिए राजी है और तू भी शादी से राजी है, इसलिए तुझे हमको दहेज देना पड़ेगा। आजकल ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान का दाम चल रहा है 20,000 रुपए और 2 तोले सोना, तेरे लिए भारी पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, मैं 5 कम कर देता हूँ, 15 दे देना। तेरा कर्जा कितना है? 6,000। 6,000 काट के 9,000 दे देना, है ना? तो तुझे क्या होगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा और तुझे तेरी बेटी के लिए इतना अच्छा खासा पति मिल जाएगा। बोल, मंजूर है कि नहीं? साले, घर में भुनी भांग नहीं है और मेरी बेटी का रिश्ता मांगने चले हो? ठहर, आज बाप बेटे दोनों के खोपड़े में छेद नहीं किए तो मेरा नाम इसके दिमाग खराब हो गया। चल मंगल भाग। अरे मंगल भाग, अरे भाग मंगल भाग, ये पत्थर मारेगा, पागल हो गया हराम खोर। खुरचन के पिल्ले, रुक। कन्हैया, इतने सालों तक मुझे आशा थी कि आज ना कल बापू हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन आज जब उन्होंने ठकुरानी का रिश्ता स्वीकार कर लिया तो मेरा भ्रम टूट गया, इसलिए हम भाग जाते हैं। तुम आज रात 11:30 बजे सतपुर जाने वाली सड़क पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा रास्ता देखूंगी। नीरू, ये अपने भैया को दे देना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुखमणि,
मुझसे मिल, अपना बंदा ले दिल में छुपा ले, दाव लगा ले आजमा ले, गले लगा ले मुझको चुरा ले, मेरा नशा ले मेरा लड़ा ले। टिकट 1 करोड़ के नाम वाला, हमने 105 टिकट बेचे थे और वापस 104 ही आए हैं। एक टिकट नहीं आया है, उसी को इनाम मिला होगा। कौन है जो दावत में नहीं आया? का मालूम कौन है, लेकिन उसको पता चल गया होगा कि उसकी टिकट को इनाम मिला है, इसलिए उसने मुंह नहीं दिखाया है। कौन हो सकता है? कोई भी, 105 में से कोई भी हो सकता है, कहा पता। तुम्हारी लालच की वजह से जो था हमारे पास वो भी गया। अब कहीं से 1,000 का इंतजाम करो और ले आओ मेरे कट्टू को वापस। मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़, मुझे मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। सुनते हो कि नहीं? पता चल गया कौन जीते हैं इनाम, पता चल गया। कौन? एंथनी। वो पियक्कड़ हमेशा मुझसे टिकट खरीदता है, और वो एक ही है जो इस दावत में नहीं आया, वो एक ही है। कुछ पकवान बचा है घर में? सब सफाचट हो गया, लोगों ने ऐसे खाया जैसे जेल से छूटे और खाने पे टूटे। मैंने तुम्हारे लिए रबड़ी बचा के रखी है। दे दे, बांध के दे, बांध के दे दे। एंथनी भाई, एंथनी भाई, एंथनी भाई, आज मेरे घर पे दावत थी, शायद आपको पता नहीं होगा। जो लोग टिकट खरीदते हैं सब ससुरे आए थे, एक आपको छोड़कर, लेकिन आप तो हमेशा मुझसे टिकट खरीदते हैं, इसलिए मैं थोड़ी रबड़ी लाया हूं आपके लिए। मैं आऊं?
इतनी रात गए हैं हम आपको ये खुशखबरी देने आए हैं अंथनी भाई की, आप ही की लॉटरी टिकट को 1 करोड़ का पहला इनाम लगा है। लेकिन लगता है ये बात आप पहले से ही जानते हैं ना। लीजिए रबड़ी खाइए और मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, वैसे तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, हमारा कमीशन ना भूलिएगा एंथनी भाई। वैसे तो हम सिर्फ बाहर 10% लेते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 5%, आप गांव के सिर्फ 5%, ज्यादा लग रहा है। ठीक है तो आपकी मर्जी, देखिए ना मत करना, कम से कम रबड़ी की भी इज्जत कर लीजिए एंथनी भाई। 2 नहीं 1 मत कहिएगा, ये तो जाती हो जाएगी। आपको कम से कम मुझे 50,000 तो दे रहे एंथनी भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो उधार वसूली करने आया हूँ, और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एंथनी भाई को क्या हुआ? हे राम, तूने उसे गला घोटकर मार डाला। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। भाइयों, तू मुझे भी मारेगा क्या? नहीं, हमने किसी को नहीं मारा है बल्लू। इसको माला माल बिक्री का पहला इनाम लगा है 1 करोड़ रुपए का, और उन्हीं पैसों के लिए तूने इसको मार डाला। अरे हमने किसी को नहीं मारा है। अरे हम तो यहाँ इसे खुशखबरी देने के वास्ते आए थे कि तुझे पहला इनाम मिला है, लेकिन लगता है ये बात पहले से जानता था तो खुशी के मारे मर गया है। मैंने लोगों को खुशी से हंसते हुए देखा है, लेकिन खुशी से मरते हुए कभी नहीं देखा। ए लीला, मैं अकल बंगार के भाव बेच कर नहीं आया हूँ, तेरा गमछा उसके गले का फंदा बना कैसे? अब हम उसके हाथ से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। गले में गमछा डाल के? नहीं, अरे हम जब इसे खुशखबरी सुनाने के वास्ते आए तब ये पहले ही मर चुका था। भगवान रामचंद्र जी चाहते ही नहीं थे कि इसको इनाम की खुशी मिले, उसी रामचंद्र जी ने हम दोनों को यहाँ पे एक ही टाइम पे भेजा। तो ये रामचंद्र जी की इच्छा है कि हम लव कोश इनाम आपस में बांट ले, समझे? तो 50 लाख तेरा, हाँ, और बाकी का जो कुछ पड़ता है वो मेरा, समझ गए? देख बल्लू, ये साली पूरी जिंदगी हमने गरीबी में गुजारी है, तो कम से कम अमीर होकर तो हम मरेंगे, ठीक है? और तू अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से कर पाएगा, और तू खुद अपनी दूसरी शादी भी कर पाएगा, तू तो अभी जवान है बल्लू, समझा? और देख पाप होगा, ये रामचंद्र जी का प्रसाद अगर हमने ठुकराया तो घोर पाप होगा। कौन जानता है ये बात को मेरे को और तेरे को छोड़ के कौन जानता है? हम कह देंगे कि लॉटरी के टिकट के मालिक हम हैं, बस। लेकिन यह गलत नहीं होगा? अरे कहा गलत होगा, हम का चोरी मारी कर रहे, लूट मारी कर रहे, और लॉटरी वाले को तो ये पैसे किसी न किसी को तो चुकाना ही था, फिर हम क्यों उसे जाने दे? और हमारा तो हक बनता है कि नहीं? और इलाज का क्या करेंगे? उस शंभू चमार और उसका बीवी ने मुझको यहाँ आते देखा है। तो हम भी तो सत्तू राम को गला फाड़ के बोल के आए कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो पुलिस की पूछताछ में बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अब क्या करें? काहे आंखें फड़ रहे हो? एक काम करते हैं, सबकी नजर बचाकर लाश को उठाकर नदिया में फेंक देते हैं, गांव वाले यूं समझेंगे कि नशे में डूब गया होगा पियक्कड़। ठीक है,
आजा बल्लो। अरे भारी हिस्सा मेरी तरफ। इकका कने आई कुल्टी बिटा देते हैं। चल उठा। अरे तू बेचता है दूध और बदन में ताकत भी है। उठा। अरे लीला चल। तू भी तो पीला होता जा रहा है। क्या समझते अपने को? बक 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 करते रहते हैं। चल 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 चल। बस हो गया। झंडा नीचे। अरे बैठ जा। चला ठीक। ये क्या हो रहा है? तुझे क्या लेना देना? चल अपना रास्ता ना। अरे पैरों तले धरती फट रही है। धोती के छेद गिनना बंद कर तू। लीला लीला तू नहीं जानता इसने मेरी सुखी के साथ बात में। ये खटारा चलेगी ना तो लाश हिलेगी और गिरेगी। तू अंदर बैठ और लाश पकड़ के रखना। और देख अगर कोई भी पूछे तो बोलना बेमरा नहीं है, बेहोश है, वैद्य के पास ले जा रहे हैं। अरे मेरी पाठशाला लेना छोड़। तू गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी। हाँ 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 चल बैठ। अरे ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी? मुझे कुछ बात करनी है। ये आप एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? नरक में। तुझे क्या साले? ए, साला वाला रख अपने घर पे। अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। तेरी सुन सुन के बहुत गले याद हो चुकी। मुझे दे दूंगा सारी। तेरे पके बालों को देखूंगा नहीं, समझा ना? बखेड़ा कर रहे हो तू? जा भाई जा। अरे ऐसे बताओ और ये एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ नहीं हो, पी के बेहोश पड़े थे अंदर तो लेके जा रहे हैं। अरे तो रोज का रोना है, इसमें नहीं बात के। आज कुछ ज्यादा ही होगा, बार बार बेहोश हो रहा है, इसलिए बैद जी के पास लेके जा रहे हैं। बैद जी के पास? बैद जी के पास लाश लेके जाओगे तो वो बेचारा क्या कर पाएगा? लाश किसकी? नहीं किसी की भी लाश नहीं। देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुना है और पुलिस में तुम्हारी रपट लगाता हूँ। अरे अरे रुक। अरे रुको। अरे अरे हाथ छोड़ो मेरा। तो तनिक तनिक मैं चोर चकर खूनी से बात नहीं करता। कौन खूनी? कौन खूनी? तुम लोग। अरे हम खूनी नहीं है, हमने इसको नहीं मारा, ये अपने आप मर गया। अपने आप मतलब? मतलब हम सब समझाते हैं तुझे। आ इधर। ये देख इसके चेहरे की मुस्कान देख। लगता है हमने इसका खून किया, गला दबा के मारा। देख कितना मिलने वाला आपने कहा? 1 करोड़। लेकिन अब हम तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है? तुम सिर्फ हाँ कहियो। हाँ नहीं। रुक रुक। बीच में और कोई चारा ही नहीं है, इसने मुंह खोल दिया तो हम जेल में चक्की पिसेंगे और कोई चारा नहीं है। बल्लू यही है। कहा तय किया तुमने? देखिए ना ही मुझे पैसे चाहिए और ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो लेकिन तो फिर कहा? आपको मेरी एक बात माननी होगी। कहा? मैं सुखमनी से शादी करूंगा। ए खुर्चंद की औलाद, इतने दिन से तुम्हारे भीतर जो पानी उबल रहा है ना उसे जाकर नहा लो। हाँ मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसके मरने के बाद सुखी से शादी करूंगा, और वैसे भी पुलिस इसे फांसी चढ़ाए बगैर छोड़ेगी नहीं। देखो मैं एक खून करूं या 5, फांसी तो एक ही बार होगी, तो मैं तेरे को मार के फांसी चढ़ जाऊंगा। अरे का मरने की बात करता, डाकू बनेगा का? अरे मैं ही शादी नहीं होने दूंगा। ससुरे के मुंह पे पैसा फेंक और बात खत्म। अरे 30 लाख इसके मुंह पे फेंकना है तो लग गया तो अपनी बेटी भी दे दीजिए। कौन सा 30 लाख का धनी तेरी बेटी की मांग भरने वाला है? बात करता है। का सोच रहा है? तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें कहे नहीं सूझी पहले। राजी है? हाँ? तेरा ससुर गंगा उठाने को भी राजी है? अरे का गंगा उठाने को? अरे चुप कर, हमने कह दिया राजी है बस, वो हमारी भी बेटी है। अरे सुनो, हाँ? अभी लाश को कोई देखे नहीं ऐसे नदिया में जाके फेंकना है, समझ गए? इसे बराबर पकड़ के रखना, नहीं तो तुम्हारे सर पे नशहरा होगा, ना ही हमारे हाथ में पैसा। बैठ बैठ बल्लू। चल चल बैठ, पकड़ कर रख। पकड़। बस। लगता है कुछ गड़बड़ है। लगता है चिन्नी, उसकी माँ, उसका वो लकड़हारा चाचा, लेकिन इतनी रात गए ये। मैं देखता हूँ। रुक। ए का हुआ? का हुआ? का हुआ? अच्छा हुआ आप लोग यहीं पर मिल गए, हम आप ही के घर जा रहे थे। काहे? सरपंच जी ने तत्काल पंचायत बुलाई है,
सब मुखियों को बुलावा भेजा है। हम अभी नहीं आ सकते, जरूरी काम के लिए जाना, तो इतनी रात गए पंचायत का है बुलाइए, क्या हुआ? इसका मर्द इसकी सोने की अंगूठी उन नचनिया को दे आया है, अब हम वापस मांग रहे हैं, तो कह रही है हमने खरीदी है। अब वो नचनिया जो है डेरे वाली, उसका डेरा हिलने से पहले ही हमें अंगूठी वापस चाहिए, इसीलिए तो ये पंचायत बुलाई है। और आप दो मुखिया के बगैर पंचायत कैसे लोगी? ये कौन है? अंतनी भाई, अरे कुछ नहीं है, नीचे पड़ा था रास्ते में बेहोश, तो वैद्य के पास लेके जा रहे, जल्दी नहीं लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? और कुछ नहीं, ठीक है हम सब चलते हैं आपके साथ वैद्य के पास, बाद में जाते हैं पंचायत। ऐसा नहीं हो सकता, देखो हम कुछ करते हैं, बल्लू इधर आओ। अरे तबीयत ठीक नहीं है उसकी, माँ भी नहीं बचा रहेगी। जरा हवा ले दो, भाई तो अनर्थ हो जाएगा बल्लू, अगर हमरे साथ चले तो बेटा गर्क है। अरे तो अब क्या करें? एक ही रास्ता है, तो कन्हैया को, आए कन्हैया, कन्हैया जाओ जाओ लीला के पास। अरे कभी बेहोश आप भी नहीं, जा इधर जाओ, बैठो बैठो, हम आ रहे हैं बाजी के पास। ठीक है ठीक है, चलो भाई बोल बोल इसको। देखो हम चलते हैं गांव वालों के साथ, हां, और तू इसको लेके जाके मंजीरा नदी में फेंक दीजिए, समझ गए? और देखिए कोई देखे नहीं, समझे? ध्यान से। और ये खटारा मेरे घर पर छोड़ देना, सुबह मिलेंगे। नहीं नहीं, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अरे कभी तो कुछ अकेले किया कर। लेकिन अभी ये मुद्दा है, खा थोड़ी जाएगा तुझे। मेरी बात तो सुन, लेके जाओ भाई जी के पास, जाओ। अरे मालिक, बापू सुखीप, ए सुखीप, मैं हूं, मैं कह रही हूं, क्या देख रही हो? ये बापू का खटारा तुहार पास कैसे? अरे वो एक लंबी कहानी है, अब हमें घर से भागने की जरूरत नहीं है, बापू को हमारी शादी मंजूर है। कैसे? सच? मुझे यकीन नहीं होता। तो लाश देख लो, यही गाड़ी में रखी है। गाड़ी, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी यहाँ पर, लाश, लाश कहाँ है? लाश तो यहाँ नहीं है, लाश गई कहाँ? कल मैं लीला चाचा से क्या कहूंगा, और तुम्हारा बाप तो मार मार के मुझे लाश बना देगा। तुम यही रुको, मैं नीचे जाके देख के आता हूँ। कन्हैया नीचे गहरी झाड़ी है, जाना मत, वापस आओ। पर लाश तो ढूंढनी पड़ेगी ना, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाश गई कहाँ? कोई आ रहा है, उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। वैसे भी अंधेरे में लाश ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, चलो गाड़ी लेकर चलते हैं। थोड़ी देर रुको कन्हैया, चलो। ए हरिया, हाँ। तेरी गाय ने बछड़ा दिया कि नहीं? अरे हाँ हाँ, जुड़वा बल्लू, अरे बल्लू, कन्हैया अंदर है, बुलाओ। भैया बुढ़बक, लगता है इसका सब खाना पीना हगना मुतना सब हाथी पर ही होता है। अब बताओ लाश कहाँ फेंकी? लाश वो जहाँ आपने कहा था, नदी में, नदी में। और खीसे में वो शराब की बोतल डाली थी, वो जेब मां, जेब मां। किसे मैंने डाली थी शराब? ये हरामी झूठ बोल रहा है, ये जब भी झूठ बोलता है हकलाता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे तो फिर हाथ कंगन को आरती किया, चल चल चल, नहीं दिखा, नहीं मतलब फायदा नहीं है ना, नदी में पानी का बहाव बहुत था तो बहते बहते लाश पड़ोस के गांव में गई होगी। तो बराबर, हाँ तो बराबर है। मेरे पास तीन चार बोरी रखी हैं, वो लेके जा, उसमें रुपए भर के ले आ। अरे ये गाजर मूली थोड़ी है जो बोरी में भर के दे देगा, जब इनाम की रकम 1,00,000 से ज्यादा हो ना तो लॉटरी ऑफिसर को बताना पड़ता है, फिर वो अपना इंस्पेक्टर भेजेगा। पुलिस इंस्पेक्टर? पुलिस नहीं, लॉटरी ऑफिस का अफसर आएगा,
वो जांच पड़ताल करेगा कि आदमी कहाँ रहता था, क्या करता था, उसके माँ बाप का नाम, राशन कार्ड, फिर मिलेगा पैसा। फिर तो हमें क्या करना है? हमें लॉटरी ऑफिस में फोन करना है कि भैया हमारी टिकट को पहला इनाम लगा है। तो चलो लक्ष्मी धान्य भंडार चलते हैं। चलो चलो, अभी मैं फोन का पैसा निकालता हूँ, बाद में हिसाब में जोड़ दूंगा, ठीक है? हेलो लॉटरी ऑफिस, हेलो, हम लाहौली गांव से बोल रहे हैं, हमारी टिकट को पहला इनाम लगा है, नंबर है 3। जो टिकट का हुआ? अरे तेरे पसीने कहाँ छूट रहे हैं? लीला चाचा, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अरे हुआ क्या, बोलना। यहाँ यहाँ भीड़ है, यहाँ चल बल्लू। अजीब आदमी, का हुआ का है? अरे कुछ बोलोगे कि नहीं कि सांप सूंघ गया? अरे वो पैसा वैसा भूल जाओ, बस अपनी जान बचाओ। क्यों, क्या हुआ? आपने लॉटरी वाले को बताया कि नहीं? अरे मरने से पहले सब बताई दिए हैं। कैसे? क्या एंथनी, सब बताई दिए हैं लॉटरी वाले। लेकिन एंथनी तो मुर्दा है लीला चाचा। अरे लेकिन मुर्दा पैदा थोड़ी ना हुआ था, मरने से पहले उसने बताया। लॉटरी ऑफिस, मालामाल लॉटरी ऑफिस, मेरे पास टिकट है, बम्पर टिकट, बम्पर इनाम 1 करोड़ का। नाम मालामाल लॉटरी। ओहो, एंथनी, जोसेफ एंथनी फर्नांडिस, टिकट नंबर 1 सेकंड ना, PA13765, घर नंबर 18, उमरिया गांव, नहीं 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 नहीं, लाहौली गांव, जिला उमरिया। राशन कार्ड नंबर पता नहीं भैया, एक मिनट ढूंढता हूँ, आज तक सिर्फ पिया है, खाया किसने है? राशन कार्ड कहाँ है तू? मिल गया, लिख लो भैया। अरे लिखो 225C 687। अभी क्या, अभी पैसे भेज दो। और इतना ही नहीं, वो लॉटरी वालों ने एंथनी के घर पे फिर से फोन भी किए थे। का है? चेकिंग वा। का चेकिंग? मतलब कि इनामी टिकेट वो एंथनी का है, ये लॉटरी वाले जानते हैं। तू का ताक रहा है, गया तो हर शादी। क्या आपने गंगा उठाने की बात की थी? अरे केवल बात की थी, उठाई नहीं थी। देखिए आप बात को घुमा रहे मालिक। तो बस कर, अभी गुत्थी कैसे सुलझाएंगे इसका बारे में सोच। अरे का गुत्थी, जो नसीब में था ही नहीं मिलेगा कैसे? अरे उल्लू, हम पैसा का बात नहीं करते हैं। तो का बात कर रहे हो? अरे वो लॉटरी इंस्पेक्टर आएगा एंथनी को ढूंढता हुआ, और इधर एंथनी की लाश नदी में तैरती हुई ऊपर आ जाएगी। अब पुलिस दौर दो चार कर लेगी कि ये 1 करोड़ का लालच में किसी ने एंथनी का खून करके फेंक दिया है। और देवीदास और चुन्नी वो तो बता ही देंगे कि उन्होंने हमारे साथ एंथनी को देखा था, बैद के पास लेके जा रहे थे, और बैद कहेगा कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। तो कहानी ये बनती है कि हमने एंथनी का खून करके लाश फेंक दिया है। वो एंथनी की लाश अगर हमारे पास होती तो
अरे वो कहाँ, वो तो बह गई पानी में। और वो पैसा गया माटी में। और हम जाएंगे जेल में। जेल? मैं नहीं जाऊंगा जेल में। मैं कह दूंगा तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। मैंने नहीं मारा। मैं जब इंद्री भाई के घर पर पहुंचा तो इसके हाथ में चक्कू था और इसका गमछा इंद्री भाई के गले में था। मैंने कहा मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए। तूने कहा है ना 50 लाख। नमस्ते। नमस्ते बबुआ। कल आप अंथनी को कहाँ लेकर गए थे? मैं कहाँ, हम तो आपके साथ गए थे ना। ये लेकर गया था अकेला। मैं क्या, मैं तो उसे बेड के पास लेके गया था। हाँ तो फिर? तो फिर क्या, बेहोश था, अचानक होश में आ गया और चिल्लाने लगा मैं बेड के पास नहीं जाऊंगा। और चलती गाड़ी से उसने ये छलांग लगाई और भागे वो। तुमने लाश कहाँ देखी? कौन सी लाश? अरे वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। वो बैठा है मजे से मंजीरा नदी के किनारे पेड़ की टहनी पर। जाओ जाकर देख लो। रमी, तूने लाश नदी में फेंकी थी ना? हट। हाँ वो तो टहनी पे कैसे चली गई? अरे नदी झाड़ के ऊपर से बहने लगी या रत सूख गई? अरे साफ रेवले की तरह उलझियो मत और जाके देखना कि लक अब भी हमारे साथ है कि नहीं। चल चल। लक? लक ससुरा कौन है? लक? अरे लक हमारी मैया का भैया, लक मामा। चल बैठ। किधर है? यही वो जगह थी। तो दिखा। अब आइए नीचे। जरा संभल के। कहाँ गया ये? वो रहा है एंथनी, वहां टहनी पर ऊपर। ये देख ऊपर चीते की तरफ बैठा हूँ। ये देख। ये लाश यहाँ चढ़ी कैसे? सच बता, तूने क्या किया? बताता हूँ, वो मैं धार मारे रुका था। जब देखो इसकी धार ही निकलती रहती है ससुरे की। नहीं नहीं, उसके बाद गाड़ी खिसक कर नीचे जोर से पेड़ पर धड़की, उसके बाद बहुत ढूंढा लेकिन लाश नहीं मिली। गेंद की तरह उछल कर टहनी पे बैठ गया होगा। बराबर। एक दूंगा तेरी कनपटी पे तो तू भी बैठ जाएगा उधर उसकी बगल में। रुको, जाके रस्सी लेकर आओ। वो देख रहा है, जा रखे लस्सी लेकर। कोई देखेगा पेड़ पे चढ़ा हुआ, हमें सूली पे चढ़ा देंगे। तू जरा पीछे आ जा, ससुरी टहनी टूटी तो हम पे 100 किलो वजन गिरेगा। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुरा रहा है, जैसे गोपियां पानी में हो और चोलियां इसके हाथ में हो। अब बस भी कर, जरा सोचने तो दे। ये लो गले में डाल दे मेरे, टांग दे मुझे भी। जा ऊपर चढ़, रस्सी उसकी कमर में बांध, एक किनारा तू पकड़, एक किनारा नीचे फेंक। जा जा। अरे वाह 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 वाह, बंदर के दामाद है तेरा। दूध बेचना बंद कर, सर्कस चालू कर। रस्सी बांध के यहाँ, रस्सी फेंको नीचे। अब हाँ बस, अब इका धकेलो, मारो लात एक फोन पे। ऐसे लग रहा है जैसे खेत में डरावे को बिठा रहे। ये ठीक हो गया। चल झंडा नीचे है? नीचे लगता है इसी हाथ से पीता होगा। बैठ जा। अब इस पे थोड़ी दारू छिड़क देते हैं। ये क्यों? ताकि स्पिरिट लाश को सड़ने नहीं देगा और एंथनी की बेवड़ी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे नहीं ना बावरे, ये क्या है कि दारू की बू वो लॉटरी इंस्पेक्टर को लाश के नजदीक नहीं आने देंगी। हम कहेंगे कि ये तो पी पी के खलास हुआ है। मतलब आधा ही झूठ बोलना है, खलास है ये तो सच है। ये फाटक खुला और उसी ने हमें अपना लॉटरी टिकट संभाल के रखने को दिया है, समझे? देखी पूछ ससुरी, इंस्पेक्टर होगा। अरे इतनी जल्दी है? ये तो बहुत जल्दी आ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गया? कौन है? भैया 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 भैया। ये कौन है? भैया भैया पुकार रही है तो बहन ही होगी। मेरी तो नहीं है, तेरी है? नहीं नहीं मेरी भी नहीं, तेरी है। नहीं इसकी है लेकिन ऐसी नहीं है। आप कौन है बहन जी? मेरे घर में आके मुझे से पूछते हो मैं कौन हूँ?
पैसे आते ही भैया के आसपास पतंगे फड़फड़ाने लग गए। भैया 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 भैया, कितने सालों के बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। ओह जीसस, कितनी पीते हो। अब तो छोड़ दो, अब हम करोड़पति बन गए हैं ना। भैया मेरे प्यारे, मेरी समझ। अरे क्या हुआ भैया? भैया भैया भैया, अरे कलमू हो, हुआ क्या मेरे भैया को? वो मर गए। किसने मारा, किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, अपने आप मर गए। खुदा ही चल बस। हे भगवान, चल छोड़ो, लॉटरी का टिकट कहाँ है? इनके पास है, दे दो। अरे कहाँ दे दे, का पूरी दुकान दे दे। हमारा लॉटरी बेचने का धंधा है, टिकट नहीं है, पूरा दुकान है। आपको टिकट खरीदना तुम लाई देते। बनो मत, वो 1 करोड़ के इनाम का मेरे भैया का टिकट कहाँ है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम, बताए नहीं मालूम। क्या है, एंथनी के साथ उसका टिकट भी सिधार गया होगा। चुप, एंथनी की लाश इधर पड़ी है। इस घर में तुम तीनों के सिवाय और कोई नहीं। और लॉटरी टिकट ला पता है, इसका मतलब ना समझे, उतने बोले नहीं हम। बताए, एक बात बताइए, आपको ये लॉटरी टिकट के बारे में बताया किसने? खुद भैया ने, उसने कहा मेरी छप्पर फाड़ डाला, जीसस ने इतना दिया। नहीं नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं, पैसा माला माल हो गया, लॉटरी बफर इनाम मिला है 1 करोड़ का। तू आ जा, तेरे हिस्से का घर खेत ये सब मैंने दारू में उड़ाया है ना। मेरे मरने से पहले तू 50 लाख रुपए ले ले। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। लाओ वो लॉटरी का टिकट मेरे हवाले कर दो। दे दो, दे दो टिकट वा, और हाथ हिलाते हुए वापस चलो। नहीं नहीं, मेरी शादी का क्या होगा? अरे भाड़ में गई तो हर शादी। बल्लू, रुक, मैं समझाता हूँ, रुक। सुनिए बहन जी, सुनिए, देखिए, अगर हम बड़ा दिल करके आपको टिकट दे भी देते हैं, हाँ, तो भी आप करेगी क्या? आप इससे हवा भी नहीं हिला पाएगी। मतलब ये कि ये आपके भाई साहब ने लॉटरी ऑफिस में फोन करके अपना नाम, अता, पता, टिकट नंबर, कोर्ट में कितने छेद है, बाटली में कितनी दारू है, सब बता दिए। अब लॉटरी ऑफिस से इंस्पेक्टर आएगा और वो आकर जांच पड़ताल करेगा। भगवान। और वो आकर देखेगा कि लाश बैठी है कुर्सी में और आप खड़ी हैं हाथ में टिकट लेकर। वो सीधे आपको हवालात ले जाएगा। तू तो हो गया अनाथ, तेरे माँ बाप गए हवालात में। मतलब पैसा गया? हाँ, गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो नहीं जाएगा। तू इधर आ, हट पीछे हट। देख, झाड़ू से छत के जाले निकालना छोड़, सीधे मकड़ी पर दे मार, जा। देखिए, लॉटरी इंस्पेक्टर के सामने हमें ऐसा दिखाना है कि ये मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ? कैसे? आओ मेरे साथ, आओ। सुनिए, उसको पहले उठा के कुर्सी में बिठा दो। बल्लू, चल कन्हैया, कुर्सी पलटा। ये उठा अर्थी का, पकड़ उधर से। ये बहुत मोटा है। देख देख देख, चोट ना लगे रे, तू निकला तो मुसीबत हो जाएगी। बस ठीक है। अरे इसका रख मत। बोलो मंजूर है या नहीं? अब इधर उधर मत देखे, मंजूर है तो कही हाँ या ना, वरना हम तीनों तो है ही। अब कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, हाँ कह रहे हैं। लेकिन सुनो, ये सारा पैसा हम तीनों में बराबर बांटा जाएगा। हाँ, आप तीनों नहीं, हम चार। हाँ, चार? आपका एक हिस्सा, एक इसका, एक इनका, एक हमरा, चार। क्या बात कर रहे हो, चार तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा? अब एक एक के हिस्से में आएगा 20-25 लाख तो आएगा। अरे बहुत बड़ी रकम है भाई। ठीक है चलो अभी। अरे कहा ठीक है, इसका मतलब मेरी शादी पक्की। हाँ, मुन्ना भी हुआ, बस चुप। पहले मैया तुरसा की बात में डोली। चलो, मुझे नहीं लगता कि आज वो इंस्पेक्टर आएगा, दिन तो ढलने को है, कल सुबह आता है, समझे? चलो ठीक है, चलो आओ। सुबह तक कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना। हाँ, लेकिन हम में से कोई भी आके बोले 25 लाख 25 लाख तो खोल देना। अरे बल्लू, पहले दरवाजा बंद तो कर लेने दे। नीरू, नीरू, क्या हुआ, क्यों नाच रही है? बापू ने मेरी और कन्हैया की शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ? ये तो चमत्कार ही हो गया। तूने कोई जादू टोना कराया क्या? पैसे का जादू चल गया। कैसे?
वो नहीं, तू तेरे मुंह में तिल भी दबा कर नहीं रख सकती। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं रे, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। तू बोल ना। पक्का? पक्का। सच? लेकिन तू किसी से कुछ कहना मत। खा कसम। तेरी कसम। गाड़ी का है रो? बहुत दिन से मैं खून करने की सोच रहा हूँ, आज उस शुभ घड़ी आई है। आजा आजा बलवंत आजा, मैं तेरे ही घर आ रहा था। या तो आज मैं अपने पैसे लूंगा या तेरे हाथ पैर। ज्यादा मुंह मचला, पैसा ले और चलता बन। क्या तू पैसा देगा? चल दे। वो कितना देना है मुझे तुझे? 6,000 ना? 6,000 दे दूं तो खुश हो जाएगा? या उसमें सूद चाहिए? बोल, तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से पटीचर? ज्यादा मत पूछ अभी, सूद चाहिए कि नहीं बोल। और मुझे क्या अभी ये सब निपटाना है, अभी जल्दी खत्म करना मुझे। भागते चोर की लंगोटी ही सही। तू सूद वूद छोड़, मुद्दल निकाल। ठीक है 6,000 काट ले, बाकी मुझे दे दे। ला। तो कहाँ से काटेगा? पेड़ से? सर फिरा पागल हो गया? अचानक 1,8,00,00,000 रुपए की लाटरी लग जाए तो कभी कभार आदमी पागल आ जाता है। नहीं नजर सब पे रहती है। अब सिर्फ इतना बताओ कि मेरा हिस्सा कितना होगा? क्या 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 भौंक रहा है? हिंदी समझ में नहीं आती है? इका कौन बताया? साला हरामी मरने से पहले इसे भी बता के गया क्या? अरे किसने बताया, क्यों बताया, इस लफड़े में मत पड़ो। मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। ले ले तोरा हिस्सा, ले इधर आ, इधर आ कमीने। अरे तू आदमी है का? बीच सड़क पे ढोल बजा के पैसा बांटेगा का? ए चलो एंथनी के घर चलते हैं, वहां सब निपटा ही देते। चल, मुझे फूटी कौड़ी मिले ना मिले, इस घंटी चोर के हाथ एक ढेला नहीं आने दूंगा। निकाल मेरे 6,000 रुपए, निकाल निकाल मेरे 6,000 रुपए। अरे उसमें से काट लेना। दूध पीते हुए शर्म नहीं आती? हाथी रखता है। चल मंगल तू भी बैठ जा। अरे मंगल मेरे हाथी का नाम है, मेरा नहीं। तेरा कोई भी नाम हो, बैठ। हाँ बैठता हूँ। डर गए सारे। घर का मिलता है आराम को। सर हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। क्या हुआ? अरे अंदर जमघट लगा है। मर गए, बर्बाद हो गए, खबर फैल गई है? अंदर चिल्लम चिल्ली हो रही है। चल 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 भाग, चल चल। डरपोक बहादुर बनता है बलवंत। अरे चल के देखते हैं इसमें थोड़ा है ना, क्या? ना, ना, ना। एक काम करते, तू जाके देख, हम दूर से देखते हैं। लगा कि खतरा है तो उल्टे पांव आ जाए। अरे मैंने कितनी बार कहा आप लोगों से, वो नहीं मिल सकते। और हमने कितनी बार पूछा क्यों? क्यों वो सो रहे? तो कभी जागेंगे नहीं? कहा नहीं कहा, मतलब बहुत दारू पी ली थी ना कल रात को, इसलिए थोड़ा देर से उठेंगे। अरे नहीं नहीं, दाल में काला है भैया, पूरी दाल ही काली है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? कहाँ हुआ भाइयों बहनों, माजरा कहाँ है? कल रात अंथनी भाई मेरी दुकान पर फोन किए थे। वो बोले तेरा 900 रुपया 25 पैसा ले ले, मुझे 1,00,00,000 की लाठी लगी है। ये सिया चंदू, ये भरत, ये रकमा, इन सबको ले आने के लिए कहा था। पूरे गांव में बैंड बजाई है। अरे वो पियकड़, उसने कहा लॉटरी निकली है, आप लोग मान गए। अरे नशे में धुत होगा। हाँ चल, वो कहेगा उसने मेरा हाथ ही खरीदा तो। चौके ऊंचे सुर में मत गा, भजन बिगड़ जाएगा, सुर में रहना। अरे तो फिर एंथनी भाई ने हमें यहाँ बुलाया था है, और मेरी ने इतने सालों के बाद आज अचानक इस घर में कदम रखा है? कल तक तो भाई बहन एक दूसरे का खून चूसते थे। पैसे के सिवा दिल पिघलता नहीं किसी का, लाटरी की बात सच है। कुछ भी हो, अंथोनी भाई से मिले बगैर हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। ठीक है तो खोद लो अपनी कमर यहाँ पे और बैठे रहो। देखो मेरी क्या है? अरे आपको नहीं पुकारा, मेरी बात सुनो, कह रहा हूँ। देखिए आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, हम अंदर जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। आओ लीला। ठीक है मैरी। अरे मैरी अभी आपको बुला रहा हूँ। बोलो ना क्या है?
एक दो तीन। अरे बहुत लोग हैं, हाथी के ऊपर बैठ के गिनना पड़ेगा इनको। चुप है। नहीं नहीं नहीं, ये पैसा मैं इन लोगों में नहीं बांटने वाली। तो ठीक है, हम लोग चल पड़ते। आप ही ने सबसे झूठ कहा था कि एंथनी सो रहा। अरे एक मिनट रुकना है यार, तू ठहर, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर उन भेड़ियों को पता चल गया कि एंथनी भाई मर गया है तो सारी रामलीला बदल जाएगी। देखिए, बहन ने पैसों के लालच में भैया का खून किया, बात फैल जाएगी और आप अंदर। और बेटा ना लावारिस और फन। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने लोग हैं? वो 12, हम 5। 5? लेकिन कल तक तो 4 थे ना। अरे ये डेढ़ से आना भी तो जानता है ना। ये कौन है? मंगल, मेरे हाथी का नाम है मंगल। अरे कोई भी हो, लेकिन इसे कैसे पता चल गया? अरे हमें क्या मालूम, अपने पैकर से पूछो। देखो फिकर मत करो, बहुत बड़ी रकम है, काहे फिकर करती हो तुम? अभी बुलाएं सबको। हाँ बुलाएं कि नहीं? बुलाओ बुलाओ, चल हट। आप बैठिए बैठिए। अरे बलवंत भैया नहीं होते तो मेरी सोने की अंगूठी का खाक वापस मिलती? ये खुशी की बात तो उन्हें बतानी ही होगी। वो रही बल्लू भैया की गाड़ी। तो ई बात है, और ई बात अगर हम दबा के रखेंगे, ये राज की बात अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा, और अगर बता दिए तो सर पे छपड़ा भी नहीं रहेगा। हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, ये लॉटरी का इनाम मिलने से पहले ही एंथनी भाई चल बसे हैं, ऐसा किसी से कहना नहीं। हाँ हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि एंथनी भाई तो जिंदा है। हाँ लेकिन कोई पूछे तो ऐसा हाथी पे चढ़ के मत चिल्लाइयो कि एंथनी जिंदा है, एंथनी जिंदा है। कोई पूछे तो चौके, समझे? अभी भाषणबाजी बंद करो, गिनो गिनो कितने साझेदार है, गिनो। अरे कितनी बार गिनेंगे? ये 12 हैं और हम 5 हैं, और कुल मिला के 17 हो गए। 17 ठीक है। हाँ हाँ 17। खतरा आपने कुछ सुना? हमने सब सुना। हाँ तो बाहर क्यों खड़े, अंदर ही आ जाइए। आइए 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 आइए, सबको ले आइए। चल चल बिरजू। अब हरे के हिस्से में कितना आएगा? अरे मालूम नहीं, अब तो आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोल साला, गांव में और कितनों को बता के गया है तू? चलो मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। अरे तू जिंदा होता ना तो मैं तुझे गला दबा के मार देता। पागल हो गया है ससुरा? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इस लाश को एक दिन और भी रखा तो इतनी बास आएगी कि हमारा गांव तो क्या पूरे जिले को मालूम पड़ जाएगा, सबके हाथ लगेगी। अच्छा नीचे मन में। माफ करना इंद्री भाई, गुस्सा आ गया था उसको। तो अभी के अभी दफना देते हैं? कैसे दफनाएंगे इंस्पेक्टर आदम का? तो चर्च में घंटा बजेगा ना तो सारा गांव शमशान में पहुंच जाएगा। तो हल क्या है? बंद करो अपनी आया। हमारे पास एक तरकीब है। का? ये एंथनी को दफनाना तो पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। ये दफनाने का विधि अगर ऐसे चोरी छुपे हो, समझे, तो चर्च जाकर फादर से बात भी करनी पड़ेगी। अरे तो इंस्पेक्टर बात किससे करेगा, मिलेगा किससे? एंथनी की कब्र से? अरे अब तुम फुदकना बंद करो तो हम बोले ना। हाँ बोलो। हाथी कहीं का। अब वो इंस्पेक्टर को कहा पता है कि एंथनी गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है? हा? उससे तो एंथनी को देखा ही नहीं है। हम में से कोई भी बन जाएगा एंथनी। हमें एक आइडिया आया है। का? अरे तू काहे नहीं बन जाता एंथनी? ना ना, अरे नहीं, हम का है, शर्म आती है। अरे शर्म का आती है, चोली थोड़ी बनी, मर्द का काम है। देख ऐसा बेशर्मी का बात मत कर। अरे रामलीला समझ के बन जा। अरे हमका मूछ भी नहीं है। वो तो इंस्पेक्टर को कहां पता है कि तुम्हें मूछवा है या नहीं, बन जा। अरे बहादुर बल्लू फिर डर गया? अरे तो मैं बन जाता हूँ उसमें का। नहीं मेरे जीते जी चोखे अंतनी नहीं बनेगा। काहे? अरे मेरे 6000 उसकी मुट्ठी से नहीं फिसलते,
वो क्या एक करोड़ बांटेगा हम सब में? अरे जा तू बैठ जाओ हाथी पे, बैठ जाओ, जाओ। सुनो मैं बन जाता हूँ अंतनी। तू बनेगा? मैं बन जाता हूँ। बल्लू भैया की जय, बल्लू भैया की जय। बात है बल्लू, क्या बात है, जीता रे। अब बाबू जाके चर्च के फादर से बात करते हैं। अच्छा नहीं बजाऊंगा घंटा, किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी शांति से दफनाऊंगा कि आजू बाजू वाले मुर्दों को भी भनक नहीं लगेगी। लेकिन एक ही तकलीफ है। का? फादर नहीं है। होता है, काफी लोगों के फादर नहीं होते हैं। अपनी माँ से पूछ लो ना, उसको भी पता नहीं है। इतनी जोर से मारूंगा कि 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। पर दांत तो 32 होते हैं। 8 तेरे तोड़ूंगा। मैं अपने फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च के फादर की बात कर रहा हूँ। उनके बिना विधि कौन करेगा? ओ, तो कब आएंगे चर्च के पिताजी? वो बिशप से मिलने गए हैं, एक हफ्ते के बाद आएंगे। अगर वो यहाँ पर होते फिर भी इस बात को मानते नहीं। हफ्ते के बाद? तो तब तक क्या करें? एक हो सकता है, का पड़ोस वाले गांव जाता हूँ। हाँ। उधर के चर्च के फादर को लेकर आता हूँ। हाँ। इसमें फायदा ये है कि उन्हें क्या पता कि किसे दफना रहे हैं। आना जाना, उन्हें लाना, ये सब खर्चा तुम्हें देना होगा। कब्र खोदने वाले, साफ सफाई वाले और मुझे मिलाकर 7 आदमी होते हैं। सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लो ये और चिपक लिए। अरे अब चिपक गए, उखड़ गए, छोड़ो ना बल्लू, काम तो होने दो। और जो मिल रहा है वो मुनाफा ही तो है। पता नहीं कब आएगा उस ससुरा लाटरी इंस्पेक्टर। काहे फिकर करते हो बल्लू, फिकर ना करे, कभी भी आने दो ससुरे को। पूरा नाटक तैयार है। वो जोसेफ को भेजा है ना जौनपुर, वो चर्च के पादरी को लाने, तो एंथोनी को भी दफना दे, फिकर ना करी। तो हर जबान तो ऐसा चलत है जैसे गीली माटी में हल। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अंतनी बनना है, मतलब क्या करना है? क्या करना है? मैं अंतनी बनूं मतलब क्या करूं? क्या मतलब? मतलब अंतनी बनूं मतलब क्या करूं? एंथोनी बनना और क्या करना है? भाई साहब क्या ये रास्ता लाहौली की तरफ जाता है? ये रास्ता लाहौली में ही है, और रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। ये एंथनी नाम के आदमी का घर कहाँ है? लॉटरी इंस्पेक्टर है, मुंह घुमाई ले, मुंह घुमाई ले। एंथनी, आपको एंथनी के घर जाना है? हाँ। एंथनी हमारा लंगोटिया यार। अब सुनिए, ये पुल उतरेंगे ना, हाँ? तो नीचे चले जाइए, वहाँ पे पीपल का पेड़ है और वहाँ एंथनी का घर नहीं है। हा? पीपल के पेड़ के दाहिने हाथ पे आप जो मुड़ जाएंगे, हा? तो वहाँ पे शिवजी का मंदिर रहेगा, तो वो जो शिवजी का मंदिर है वहाँ भी एंथनी का घर नहीं है। वहाँ से थोड़े चले गए आगे, हा, 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 वहाँ पे एंथनी का घर आएगा। समझे नहीं समझे? हम दिखाया आपको एंथनी का घर। एक मिनट में आते हैं। एक का मुसीबत है ससुरा? तुम साइकिल से एंथनी का घर पहुंचो, हम मोटर गाड़ी में आ रहे हैं वहाँ पे। हमका उल्लू समझ रखा है का? तुम मोटर गाड़ी से जाओगे, हमारा साइकिल का हवाई जहाज उड़ कर जाएंगे। अरे उसको कुएं में कछुआ कैसे घूमता है, धीरे धीरे गोल गोल ऐसे पूरे गांव में सैर कराएंगे, समझ गया? तू बजा रहा है। तू जाके एंथनी के घर पे बैठे रहियो, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, तब आइयो। आ रहे आ रहे, और कपड़ा बराबर धोना। गाँव का धोबी है, बिना साबुन के कपड़े धो तरा। रोकिए, यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। हम रोकिए, हम तनिक हल्के होके आते हैं। हल्के? ठीक है सरा, जल्दी करना। किधर जा रहा है? अच्छा कहाँ फंस गया? आपको करना है? नहीं चलो। अरे कर लीजिए। नहीं चलो। जेन को भी अभी उखड़ना था। नहीं।
अरे भाई साहब, ये एंथनी का घर कहाँ है? भाई साहब, वो कान के नीचे बम फटेगा तो भी नहीं सुनेगा, जन्म से बहरा है बेचारा। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। मुंह में तंबाकू की गोली जितना छोटा गांव है हमारा, काले पीले टूटे फूटे सब दांत एक दूसरे को जाना था। हम बताते ना आपको। अब चलिए आगे बढ़ाओ, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ाओ। ये है एंथनी का घर। आइए, एंथनी है क्या घर में? हाँ है ना साहब। बोलो साहब आए, बुलाओ उसको। अब याद है, आ जा। ये रहा आपका एंथनी। ये वो एंथनी नहीं है। अरे यही है, इसकी माँ से। ये एंथनी है ना, यही है। अरे जिस एंथनी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक 60 साल का आदमी है। 60 साल का? तो पहले बताइए ना। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा लंगोटे यार है। हाँ, ये देखो ये लंगोट पहना है इसने। ये मेरा छोटा सा दोस्त है। जा जा बचवा जा। तुम एंथनी फर्नांडिस को जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हें उसका घर कहाँ है मालूम है? हाँ मालूम है। तुम चलो मेरे साथ। चलिए। एंथनी भाई, एंथनी भाई। अरे क्यों मुर्दे को आवाज दे रहे हो? चुप कर। क्या होना? वो इंस्पेक्टर आया है। अरे बाप रे, लाश कहाँ है? कुर्सी पर। उसको बाजू वाले कमरे में ले जाओ। हाँ, हाँ। और ये भेड़ बकरियां यहाँ पे क्या कर रही है? सुबह से पैसे का इंतजार में। बल्लू कहाँ है? बल्लू, बल्लू अभी आता ही होगा। हम इंस्पेक्टर से ये कहेंगे कि बल्लू अंदर ना रहा है, समझ गए? खिड़की बंद कर, दरवाजा खोल। आइए। ये एंथनी की बहन है मैरी। मैरी? आपके नहीं, एंथनी की बहन है मैरी। एंथनी घर में है? हाँ, वो खा रहा है। खा रहा? भोजन का टाइम हुआ ना, खा रहा। आप? मैं जय अग्रवाल, मालामाल लॉटरी इंस्पेक्टर। आइए ना, आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? एक ग्लास पानी। ये लोग सब यहीं रहते हैं? नहीं, हम सब लोग पैसों के लिए आए हैं। ये क्या नया हिस्सेदार है? अरे क्या, ये तो एंथनी भाई के सब नौकर है। अरे नौकरों का मालिक है, तनख्वाह के लिए आके कब पैसे आए और तनख्वाह मिले बेचारे को। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? जाके सबको बताई दो कोई मुंह ना खोले। ये लॉटरी इंस्पेक्टर है, शकुआ तो फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अरे भूत तो रहा बाप ससुर। काफी देर हो गई है, कब तक आएंगे? आ जाएंगे, पेट फटने से पहले तो आ ही जाएंगे। ये बल्लू दिन में कई बार खाते हैं, इसलिए टाइम लगता है। और आप क्या करते हैं? हम अपना ये लॉटरी का धंधा करते हैं। बेचते हैं? खरीदने का। ये कौन सा धंधा हुआ? नसीब का, नसीब। अभी लॉटरी हमारे गांव की तकदीर बदल सकती है, और का। और ये सभी भी उसी धंधे में लगे हुए हैं, बराबर ना? है? इनका हाथी का है, इनका हाथी का है। जो काम हुआ बाबू, अदरक वाली चाय बना दे। नहीं नहीं, जब जब मैं गांव में आता हूँ शुरू हो जाता है डस्ट एलर्जी, धूल से बीमारी। हाँ एंथनी अंदर ही है ना? है, है। तो हम कहा बाहर खड़े खड़े पानी पी रहे? आइए आइए, अंदर बैठ के पानी पी। आइए आइए, अंदर आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खाना हो गया उनका? और कितनी देर लगेगी? नहीं वो आ रहे। 4 दिन से भूखे हैं क्या? 1 घंटा इन्होंने मुझे घुमाया, 1 घंटे से ये खाना खा रहे हैं। अगर इन्हें और देर लगने वाली है तो क्या मैं अंदर जाके सिग्नेचर ले लूं क्या? नहीं नहीं, जा पूछो उनसे। अरे जाओ पूछो। पूछो? एक काम कर, तो मैं पूछ के आता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है अंदर। इतनी देर कहाँ लगा दिए? कहाँ है, कहाँ है? अभी अभी तो भूत बन के हाथ टपका था, पता नहीं कहाँ चला गया। और
पीछे का दरवाजा खोलो, वो सामने ही बैठा है, वहां से नहीं आ सकेगा वो। ताला है वहां, चाबी कहां है पता नहीं। ताला है, तू कैसे आएगा वो भूत अंदर? आइए। कहां है एंथनी? एंथनी अभी आएगा ना, बस अभी आए। ये क्या मजाक है? आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी को मैं पड़ोसी के पास छोड़ आया हूं, पता नहीं वो ठीक से रह पाएगी कि नहीं। छोटी सी है, 6 साल की। मेरा यहां से वापस जाना मतलब 8 घंटे का लंबा ड्राइव। वो रो रो के धूम मचा देगी। मेरे घर में कोई नहीं उसे देखने वाला, इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूं। तो कहां है वो? कौन? एंथनी। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। ठंडा है पानी। नमस्कार। तुमने तो कहा था कि ये खाना खा रहे हैं। खा लिया, अब नहा रहे हैं। नहा रहे। ओ, ये कहा है कि हम साबुन नहीं लगाते। वैद्य जी हमका विभूति दिए हैं, इससे त्वचा कोमल रहती है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, पहले नहाते हैं फिर खाते हैं। मेरा भाई कभी उल्टा काम करता ही नहीं, बहुत ही सीधा साधा है। श्रीमान का परिचय? मैं लॉटरी इंस्पेक्टर हूँ। अरे आप, आपकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई। लाइए आपका लॉटरी टिकट और राशन कार्ड लाइए। जी जी अभी लाते हैं। आप चाय पियेंगे अदरक वाली? ये क्या? पैरों में सूजन रहती है इनको, तो वैद्य जी ने कहा है कि बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के पैर को सेकिए। अब इनके पास टाइम कहाँ रहता है, तो ऐसा ही पैरों में बर्तन को घुंघरू की तरह पहन के घूमते रहते हैं। ई लीजिए, ई रहा टिकट और ई राशन कार्ड। राशन कार्ड। अंतनी? सब ठीक है। सब ठीक है। आप यहां साइन कर सकते हैं। जी अंगूठा चलेगा? आप अंगूठा लगा सकते हैं इनके पास। 10-15 दिन बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मुबारक हो, आप 1 करोड़ के मालिक हो जाओगे। सियावर रामचंद्र की जय। देख वो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना, चल। भाई कौन आ रही है? धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल मेरी जोड़ी। ओए चुप कर सुखी, मुझसे शादी के सपने मत देख, क्योंकि मेरी शादी कन्हैया से होने वाली है। हाँ, वो गरीब सुखिल्ला पापड़। शादी के बाद कटोरा लेके जोड़ी से भीख मांगोगे क्या? और वो तेरा सयाना बापू जो दिया, देखना तुझे मेरे घर देगा। तू मेरे सयाने बापू से ही जाकर पूछ सच क्या है। वैसे भी हम अभी अमीर। सुखी क्या कर रही है, चल यहाँ से। अगर तू मेरे सामने आया ना तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर पीटूंगी तुझे। अरे एक साइन। घर पे कोई नहीं है, सब चर्च गए। चर्च गए? मामू मर गया। मामू मर गया? रिश्तेदारन या दोस्तों में से केहू अगर अंथनी के श्रद्धांजलि देवे चाहे तो यहाँ आ जाए। कौन हो सकता है? तुझे लगता है हम में से किसी को बोलना चाहिए? ठीक है। हाँ। तू बोल। तू नहीं, तू तो बोलता ही रहता है। ये बोलेगा, ये बोलेगा। यहाँ आकर बोलिए। आदरणीय चर्च के पिताजी, अगर गांव के भले लोगों को याद करना हो तो आगे बोल। भले लोगों को याद करना हो तो अंतनी। सॉरी।
क्या हुआ? इंस्पेक्टर, आ गए, लीला जी बोलेंगे। हट पीछे, तेरा बाप बैठा है। अरे हम कब बोले? बोल। हम का बोली? महान आत्मा था ये तो। बोलना तो पड़ेगा ही बेटा, ये तो रिवाज है। बल्लू ये का? हूं अरे इनका नाम तो अंधनी है ना, गांव वाले प्यार से बल्लू कह के पुकारते थे। बल्लू 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 तो हिंदू नाम है। धर्मांतर किए थे बल्लू ने। बड़ा बहादुर आदमी था बल्लू। बल्लू कुएं में कूदकर लोगों की जान बचाता था। धंधा था उसका, दूध का धंधा था, दूध का, दूध का। आज वो बल्लू मर गया। अब गांव को दूध कौन देगा? तेरा बाप। उसकी बेटी की रक्षा कौन करेगा? कुएं में कूदेगा कौन? गाय भैंस बकरियां गांव की सड़कों पे बावरी होकर बल्लू बल्लू करके चिल्ला रही है। बल्लू साले रोता क्यों है? मैं जिंदा हूं। ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। भगवान शांति दे आत्मा को इसकी। अब हमें कब्रिस्तान की ओर चलना चाहिए। चलो भाई आओ, उठाओ इनको जल्दी। ये ससुरा वापस क्यों आया है और यहां पर क्या कर रहा है? लेने के देने पड़ जाएंगे, पूछो उसे, पूछो। नमस्कार। कहो। एक फॉर्म पे अंगूठा लेना भूल गया। जब मैं एंथनी के घर गया तो बच्चे ने कहा कि मामू मर गया। हा? तो मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, मर गया वो बल्लू था, एंथनी तो जिंदा है। इधर ही है, इधर आओ। ये है एंथनी, जिंदा है। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, दफनाने की विधि के बाद भी मैं नहीं नहीं नहीं, वो कितना टाइम लगेगा पता नहीं। क्यों? बेटी आने वाली है, उसकी राह देख रहे हैं। बल्लू की लाश तो दिखानी पड़ेगी ना। वो अंगूठा लेना है, दे दो, दे दो। लगता है बल्लू आपका काफी खास था। हाँ, काफी जज्बाती हो गए थे आप। जी हाँ, अंगूठा कहाँ लगाना है? एक मिनट, लेकिन वो मरा कैसे? अरे भाई साहब, वो पंखे से उसने खुद को लटका लिया और मर गया। अब वो कैसे मरा, क्यों मरा, कहां मरा, इस सब का क्या मतलब है? अंगूठा कहां लगाना है? यहां। लेकिन बल्लू ने खुदकुशी क्यों की? क्यों? अब ये सबके सामने आपको क्या बात बताएं? बल्लू की बीवी उसको छोड़कर किसी मवाली के साथ भाग गई। चुप कर, चुप कर। हर चीज की हद होती है। बल्लू मरा नहीं, बल्लू जिंदा है। क्या? हम कह रहे हैं बल्लू जिंदा है। जज्बाती हो गया। वो कह रहा था। जज्बाती हो गया। अपने ले लिया, अंगूठा ले लिया। भगवान बल्लू की तुम्हारी आत्मा को शांत। लेकिन इसकी टांगे बाहर क्यों हैं? वो बल्लू का जब जन्म हुआ तो कुबड़ा पैदा हुआ। कुबड़ा तेरा बाप। जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया। बल्लू शांत हो जाओ। अरे का शांत हो जाओ? इस ससुरा लाटरी इंस्पेक्टर है या पुलिस इंस्पेक्टर? ई का है, ऊ का है, ई कैसे? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे अरे बुल्लू, हरमी आ रहा है, तैयार हो जाओ। इस ससुर रानी के इज्जत से खेलवाले का हम छोड़ेंगे नहीं। बुल्लू और रानी की शादी होकर रहेगी। फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। बल्लू भाई, मैंने अपनी जबान रखी, एंथनी को दफना दिया, बाकी के गांव वालों को कानों कान खबर नहीं हुई। जीसस हमारे साथ है, अब निकालिए हमारा पैसा। पैसा? पैसा अभी कहां से?
बल्लू भाई आपकी नियत में खोट आ रहा है। वो इंस्पेक्टर आया था, आपका अंगूठा लेकर गया था, हम सबने देखा, आप पैसा देने से इनकार कर रहे हो? अरे भैया नहीं, वो सिर्फ अंगूठा लगवाने आया था, अब वो छानबीन करेगा और 10 दिन के बाद पैसा मिलेगा। 10 दिन क्यों? अरे 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, आप इंस्पेक्टर को फोन करो, जल्दी पैसा लेकर आओ। धीरज रखो, धीरज रखो भाई, ज्यादा आग दोगे दाना जल जाएगा। सरकार पे भरोसा रखो, पैसा देगी, देगी सरकार पैसा। ये देखो ये एंथनी का पैसा, हम सबको मिल बांट के खाना है। ज्यादा उछल कूद करोगे तो इंस्पेक्टर को शक हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। सब अपना अपना मुंह बंद रखे पैसों के मामले में, समझ गए? हाँ, हम अपना मुंह खोलेंगे। अच्छा तुम लोग अंथनी को मार कर और उसका सब पैसा हड़पना चाहते हो? अरे अरे नाटक कहाँ से आ गया? अरे सीधा पेड़ से गिरा तुम लोगों की साजिश जानने के लिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि सुखमनी ने हमारा पत्ता क्यों काटा। जाके सब जिज्जी को बताऊंगा, फिर देखेंगे तुम लोगों को पैसे मिलते हैं। अरे रुकिए, बाज बहादुर जी रुकिए तनिक। अब देखिए जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए बड़ा दिल रख के। आपको अपना हिस्सा चाहिए, ले लीजिए अपना हिस्सा। हाँ, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो सुखमनी चाहिए। अरे बात को समझिए राय बहादुर, बाज बहादुर जी, सुखमनी तो आज नहीं तो कल बूढ़ी हो जाए। हाँ। फिर और पैसा तो जवान का जवान ही रहे। नहीं, 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 वो बूढ़ी रहे या जवान रहे हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। अभी बोल दो हाँ या ना। अरे ना, मेरी सुखमनी नहीं मिलेगी, दूसरा का चाहिए तो बोल। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। सुखमनी सुखमनी सुखमनी। साला ताड़ की तरह खड़ा है, पकड़ा काहे नहीं उसे? साला चूहे की तरह भाग गया। लेकिन वो शमशान आया कैसे? अरे अब कहाँ आया, कहाँ आया, कैसे इका अंताक्षरी खेलते रहोगे? अरे उसे बहला कर फुसला कर पकड़ लिया हो तो समझाते बात बन जाती। इसकी मार पीट ने सारा मामला बिगाड़ दिया। साला है ही दूध में नमक, जब से इसे साझेदार बनाया मामला बिगड़ता ही जा रहा है। साला गधे से कर दूंगा शादी अपनी बेटी की, लेकिन तुझे हरगिज नहीं। लेकिन बल्लू आपका ससुर दामाद खेलोगे, वो बाजे वहाँ पूरी महाभारत सुनाई दिए होंगे। तो अब करना क्या है? प्रसाद बांटना है। करना क्या है, अब सोचना क्या है? चलो भाग चले। ना, 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 हम भागेंगे नहीं, नहीं। तो कतई नहीं भागेंगे। क्या भागे, वो पैसों का प्याला होट तक है और ऐसा ही छोड़ दे। हाँ? भागेंगे नहीं, हाँ, नहीं। तो क्या करेंगे अब? तो ये एक काम करते हैं बल्लू। क्या? ठकुरा इनको हिस्सेदार बना देते हैं। क्या सोचा है, फिर वो पूरे 1 करोड़ की हिस्सेदार बन जाएगी और हम सब लोग कटोरा लेके दर दर भीख मांगेंगे। पर उसके पैर पकड़ लेंगे, उसकी माफी मांगे, नाक रगड़ लेंगे हमारी। हाँ बल्लू, उसको आधा हिस्सा दे देते हैं, आधा बांट जाए। कोशिश कर, अरे फिर भी हमारे हाथ में बहुत बड़ी रकम आएगी और कोशिश करने में वो नहीं मानेगी। ठुकराइन का ये बहुत भारी है, गांव वालों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो ठुकराइन के हाथ से राज चला जाएगा, उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये काम करो, हमारे साथ चलो, हम सब संभाल लेंगे, हम समझाएंगे। पकड़ो नेताजी की पूछ, चलो पीछे, चलो आओ। ठुकराइन के साथ ढंग से बात करना बहुत सहेली नहीं है। ठुकराइन जी, हम आपसे कुछ अर्ज करने आए हैं जी। अरे बाद में अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी जाओ और बाजे को ले आओ, जाओ, हटो हटो। अभी थोड़ी देर पहले छोटे मालिक दौड़ते हुए हवेली के अंदर आए, तब से उनका मुंह खुला का खुला ही है। अरे काका कर, ना मुंह बंद करते थे ना कह पाते थे कुछ। अरे ऐसा कैसे हुआ, कुछ बताया नहीं? वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ हवा आ रही थी बाहर। हवा?
अरे बोलती इसकी बंद है या आपकी, आखिर इसे हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता, जोरदार मार की वजह से इनका मुंह अटक गया है और खुला का खुला है। अब कितना समय लगेगा, एक महीना, एक साल, पूरी जिंदगी, कितना भी वक्त लग सकता है। अरे ये कुछ बोलना चाहते हैं, कागज कलम तो दीजिए। अरे खाक लिखेगा ये, पाठशाला के पहले दिन मास्टर जी का हाथ काट के भाग गया था ये बेवकूफ, सीधे लकीर भी नहीं खींच सकता। धीरज रखो भैया, जब बोल पाए तो बता देना क्या बात है। लेकिन ये क्या बताना चाहता है, बोल पाया जिंदगी में तो ठीक, नहीं तो ये राज राजी रह जाएगा। सुनो 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 भाई सुनो, भगवान जीसस ने हम गरीबों के साथ इंसाफ किया है, हम लोगों को भी उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। वो दो सीढ़ी पकड़ने वालों को हम लोगों को थोड़ी थोड़ी रकम दे देनी चाहिए। रस्सी सीढ़ी बलिए सब छोड़ो, मुझे मेरी शादी की पड़ी है, अब मैं बिल्कुल रुक नहीं सकता। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, हाँ लेकिन पैसे आने से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए। मैं इस गिरगिट पर भरोसा नहीं कर सकता, पैसे आते रंग बदल देगा ये। शादी नहीं होगी। क्या? क्यों नहीं होगी? अरे कह दिया ना नहीं होगी। मैं इसका बाप हूँ कि तू इसका बाप है? जब तक पैसा हमारे हाथ में नहीं आ जाता शादी नहीं होगी। अरे हमारे नाटक में कोई गड़बड़ हुई, हमारा भांडा फूट गया और पैसा हाथ में नहीं आया तो? अरे बल्लू ऐसा कुछ नहीं। चुप रह एक मिनट, ये निकम्मा जिंदगी भर मेरी बेटी के गले में सांप बनकर पड़ा रहेगा, कंगाल ससुर है। और पैसा मिलने के बाद तू अपनी जबान रखेगा, इसका क्या भरोसा है? काहे का भरोसा, बुढ़बा काहे का? क्यों जंगली बैलों की तरह झगड़ा कर रहे हो? एक काम करते हैं, जब पैसा मिल जाएगा उसके बाद शादी कर लेंगे, पैसा मिलने से पहले हम लोग सगाई कर लेते हैं, क्यों भाइयो? हाँ, बढ़िया है। शादी शादी शादी, कब से शादी की रट लगाए बैठा है, कम से कम ये गधा एक बार घोड़े पर तो बैठेगा। हाँ ये एकदम ठीक कहती है, ये फर्स्ट क्लास आइडिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ना? हाँ लेकिन ठीक है। अरे ठीक है, मैं मान जाता हूँ। ओ मेरी हंसनी, हंसनी मैं तेरी हंसनी, तेरा पिया तुझको पुकारे आपस आ जा। हंसनी मैं तेरी हंसनी, हंसनी ओ मेरी हंसनी। गोरी ओ सुन ले गोरी, अरे लगी लगन बस तेरी, घन भर से बदरिया ऐसी है तेरी अदा। लाज की मारी मैं मर जाऊं सजना, हंसनी मैं तेरी हंसनी, हंसनी ओ मेरी हंसनी। आने के बाद मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी, लेकिन सोने में। अच्छा। इतने हाथ को क्या हुआ? साइकिल से गिर पड़ा यार, पैसा आने पर मस्त फटफटिया लूंगा। खुश रहो। अब भगवान का नाम देकर सगाई की रस्म शुरू की। रुको, वो शुभ घड़ी अभी आई नहीं है। इसका बंद मुंह खुला कैसे? क्या सोचते थे तुम, हम जिंदगी भर गूंगे रहेंगे? अरे भाई तुम चाहते क्या हो?
सगाई, अब मुहूर्त निकलवा के सगाई हो ही रही है तो हो जाने दो, लेकिन सगाई होगी मेरी और सुखमनी की, वरना तुम लोगों के नाटक की कथा अपनी जीजी को सुनाऊंगा, पर्दा उठेगा और तुम सब नंगे पकड़े जाओगे। अबे साले जाता कि नहीं यहां से? यहां से जा रहा हूं लेकिन यहीं पे हूं, और आप सब लोग ये फैसला कर ले कि आपको कन्हैया की शादी के लड्डू चाहिए या फिर पैसे, और जब फैसला हो जाए तो हमें खबर जरूर करना, मैं यहीं हूं पनबारी के ठेले पे। ससुरा मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं लेती, अब क्या करें? इसमें सोचना का है, रसम पूरी करनी है, आगे जो होगा झेल लेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें पैसा चाहिए। अगर सबको पैसा चाहिए तो सुखमनी की शादी बाजे के साथ करनी चाहिए। ओए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे तुझे पूछता कौन है, हमें तो बस पैसा चाहिए पैसा। अबे तेरे को कौन पूछता है? अरे रुको, ये लड़िया चकड़िया मत, जो भी मसला है वो भाईचारे से सुलझाएंगे, समझे? अरे इसके इसके बाजे से हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। अबे चल। हमने अब तक आपका साथ दिया क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला था। सही बात। हाँ हाँ, मतलब ठीक कहा। अब आप लोग ही बताइए किस दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी निठल्ले निकम्मे छोकरे के साथ करेगा? वो क्या कहते हैं उसको, हाँ कंगाल ससुरा। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो तुम कह रहे थे, मैं तो सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूँ। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हमने सुखी की सगाई बाजे के साथ ना की तो ना ही हम लोगों को ये पैसा मिलेगा और ना ही ये शादी होगी जिसके तुम शुरू से खिलाफ थे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब बेटी को शादी में गांव वालों की बद्दुआ दोगे तो हो गया उसका संसार सुखी। हाँ। कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। हाँ हाँ बल्लू काका, जवाब दो। बोलो बल्लू भाई, फैसला आपको करना है। अरे जवाब दो बल्लू भाई। अरे इतना टाइम लगा ही हो। बुलाओ बुलाओ बाजे को। मैं नहीं होने दूंगा, मुझे अपनी बेटी की शादी किससे करनी है ये मैं तय करूंगा। बापू चुप, एकदम चुप। तू खोला तो जबान काट कर फेंक दूंगा, जैसा हम कहते हैं वैसा कर। तो ठीक है, मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरा दिल चाहता है। लॉटरी की बात सारे गांव में फैला दूंगा और उस लॉटरी इंस्पेक्टर को ये भी बताऊंगा कि ये सारे चोटी चतुर मिलकर उनको फंसा रहे हैं। मुझे बर्बाद करके मैं किसी को सुखी नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ तुम लोगों को पैसे कैसे मिलते हैं। खबरदार खबरदार, कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाए। बाबू मार ले तो, मार ले तो मुझे। बचपन से सभी कहते थे कि सुखमनी मेरी है, हम दोनों ने मिलकर संसार बसाने के सपने देखे, और आज अगर कोई और उससे शादी करना चाहता है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा कि तुम लोग मुझे मारो। ए मार ले, मार, मार ना। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर तुझे लगे इस गरीब बूढ़े बाप की बात में दम नहीं है तो तेरी जो इच्छा हो कर, लेकिन पहले मेरी बात सुन। मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, मेरी बात सुन। इधर चल। मुझे माफ कर देना बेटा, इसके सिवाय मेरे पास और कुछ चारा नहीं। कलेजे का टुकड़ा है तू मेरा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं, नहीं। तुम तो मेरा साथ दो। मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। नहीं बाबू, बाबू ऐसा मत करो। बलवंत भाई, आपको अपनी बेटी की शादी किससे करनी है ये आपको तय करना है, ये आपका अधिकार है। अब मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा जब तक इन गांव वालों को पैसे नहीं मिल जाते, जब तक सुखी और बाजे का ब्याह नहीं हो जाता तब तक वो अंदर बंद ही रहेगा, भूखा प्यासा बेहाल हो जाए, चिल्लाए रोए मर भी जाए तो दरवाजा मत खोलना, मत खोलना दरवाजा। मैं सोचूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं। बुलाओ बाजे को और करा दो उसका तिलक। इसका काटा तो आधा किलो भी नहीं मिलेगा। जो देना है दे दो, इसका चारा पानी बहुत महंगा पड़ रहा है हमें। 100 रुपया दे दूं? जिज्जी। अरे तो आदमी है कि पतंग जब देखो हवा में उड़कर आता है।
हमारी शादी 10 तारीख से पहले करा दो। ये कैसे हो सकता है? पंडित जी ने तो अगले महीने की 5 तारीख का मुहूर्त निकाला है। जी हाँ, पंडित जी ने तो कहा हमसे, हमें मिले थे रास्ते में, कह रहे थे सोम मंगल बुध सबका हवा पानी बदल गया है, अगर 10 तारीख से पहले शादी हो गई तो बहुत धन लाभ होगा और हवेली के ऊपर सोना बरसेगा। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ कैसे क्यों नहीं बताया? मुनीम जी, जी जल्दी से पंडित जी को बुलावा भेजना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। बंद करो, झूठ बोलकर फंस गए यार। अब एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ का छाता खोलना पड़ेगा। गुल्लू एक काम कर, ये ले और 3,500 रुपए का इंतजाम कर, पैसा देकर पंडित का दिमाग घूमेगा तो शादी का मुहूर्त भी घुमा देगा। इतने से मान जाएगा वो? दक्षिणा में चवन्नी अठन्नी देखने की आदत है उसे, एक साथ 3,000 देखेगा गस खा के वहीं गिर जाएगा, देखना तुम। ये भगवान का शाप है, शाप जो हमारे भाग में नहीं था उसे छीन कर हमने हमारा बनाने की कोशिश की। मेरी गोद से उठाकर बच्चे को तो बेकाय कसाई की चूरी तले, अब 1,000 करोड़ मिले तो क्या फायदा? ऐसे मनहूस पैसों से मेरा गट्टू वापस आएगा? हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये भूचाल यहां नहीं रुकने वाला, काले कर्म किए हैं तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। सुखमणि और कन्हैया को आंसू पिलाकर पैसा उठाओगे तुम तो किसी को धूल जितनी सुख शांति नहीं मिलेगी। हमें नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा, उन पैसों से तुम अनाज का एक दाना भी लाओगे तो मैं उसे छूंगी तक नहीं, उसमें मेरे गट्टू की खून की बू होगी। लेकिन करना क्या है? कुछ गलत नहीं करना है। वो बाजे की शादी का मुहूर्त जो आपने पहले तय किया है ना? पता है, अगले महीने की 5 तारीख, 9:39 बराबर। लेकिन अब ठकुरा इनका विचार कुछ बदल गया है, वो चाहती है कि बाजे की शादी इसी महीने की 10 तारीख को हो। आपको ठकुरा इनको ये बताना है कि अगर बाजे की शादी अगले महीने की 5 तारीख से पहले हुई तो बाजे की जान को खतरा है, तब जाके आपको 1,00,000 मिलेगा। मेरी कुंडली में धनयोग था ही, ये मैं कर सकता हूं। जय राम, जय राम जी की। ये पेश क्यों लड़ा रहा था पंडित से? हैं? मेरा चोखे तुम बैठते हाथी पे हो लेकिन अकल गधे की है, समझे नहीं? हाँ? बाजे की शादी अगले महीने को है। हाँ? हाँ? और पैसे आएंगे ही 4-5 दिन में। हाँ? एक बार हमारे हाथ पैसे आ गए फिर बाजे की डोली उठ की मैया था मैं का, समझे? हाँ। अब जाके खुशखबरी बल्लू को सुनाते हैं। चल। हाँ। सोले, तुझे 1,00,000 मिली, तुझे मिलेगी 1,00,000। अरे हमारा नमक मिर्च मसाला खाके उनकी चापलूसी करता है, लिख लिख अभी लिख। ज्यादा कुर्सी ला, इसको पंखे में लटकाता हूँ साले को। इसी वजह से वो पंडित जी को भी 1,00,000 रुपया देना होगा। हम अपने में से नहीं देंगे। अरे दिन बाय दिन लोग ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे हनुमान जी की पूंछ। और नहीं तो क्या? कितने लोग हैं, कितना पैसा हाथ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा चलने वाला नहीं है, ऐसे हिस्से बटने लगे तो हमें क्या मिलेगा, खेत की मूली? बलवंत, खुशखबरी यह है कि बाजे और सुखमणि का ब्याह इस महीने के 10 तारीख को करना है, अगले महीने तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठकुरानी जी, इस महीने तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। तो चुप कर पोंगा पंडित। पंडित जी ने कहा है कि शादी इस महीने की 10 तारीख को ही करनी होगी, ऐसा शुभ मुहूर्त 1,000 सालों में एक ही बार आता है। क्या सचमुच ऐसा कहा पंडित जी ने? चिट्ठी भेजी है उन्होंने, पड़ोस के गांव गया ब्याह रचाने। क्या कहते हो बलवंत? हाँ, 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 हाँ। 2 दिनों में बहू के लिए जेवर और साड़ी भिजवा दूंगी, क्योंकि तेरे घर में बैल के गले की घंटी भी नहीं मिलेगी। ये क्या है? तूने तो कहा था कि पंडित जी तुम्हारे मुट्ठी में है, मुहूर्त नहीं बदलेंगे।
तो तूने झूठ बोला था मुझसे। और वो 1 लाख क्या तुम खाने वाले थे? अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे सच कह रहा हूँ, राम कसम ही चोखा भी था। पूछा ही बल्लू चाचा, बल्लू चाचा सुखी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। सुखी, अरे बेटी, सुखी बेटा, सुखी, अरे बेटी, अरे बेटा, सुखी, ठीक है, वो ठीक है। अरे क्या किया मेरी बच्ची? आराम से, आराम से भाई, आराम से। सुखी बेटी, अरे भाई पानी लाओ कोई। चाचा, सुखी ठीक है? देखिए, बच्ची। मुझे बचाया क्यों बापू? एक अगर मेरे मरने से बाकी गांव वालों का भला होता है तो मर जाने देते मुझे। अपनी बिटिया की खुशियां बेचकर मुझे अमीर नहीं बनना है। आप लोगों को जो करना करो, मुझे नहीं चाहिए लॉटरी का पैसा। ठीक कहते हो बल्लू, पैसा का लालच में हम इंसान से जल्लाद बन गए। अपने बेटे को बेच खाए हम। पैसा नहीं था तो पेट खाली था, लेकिन हमारा मन तो सुख शांति से भरा हुआ था। अंदर से कुछ काट खा रहा है। हमको नहीं चाहिए पैसा। आंगन के दिए जितना छोटा सा गांव है हमारा, डोली उठाने हो या मैयत, भाई लोगों के 4 कंधे चाहिए, 4 पैसे नहीं। नहीं चाहिए ये मनोज पैसा, नहीं चाहिए। पैसा अभी तक दिखा ही नहीं, सिर्फ पैसे की भनक ने इतनी भगदड़ मचाई। सचमुच हाथ में आए तो तबाही है तबाही। हम भी पैसे का ख्याल छोड़ देते हैं। चलो, चलो ला वो कोठरी का चाबी दे। लीला चाचा, लीला चाचा, क्या हुआ? बाजी ने पंडित को गुल्लू के घर में बंद कर रखा है। कौन गुल्लू? बाजी का मवाली दोस्त, उसी की वजह से सतपुर की राधा पेट से है। अरे लीला, अरे वो एक नैया छप्पड़ फाड़ के भाग गया। वो देखो छेद करके भाग गया। बापू, सुखमणि कह रही थी कि भैया शादी से पहले बाजी को मार डालने वाला था। अरे का मुसीबत है, अब कन्हैया जेल जाएगा, फिर मेरी बेटी अपने को टांग लेगी। ससुरा एक गागर भरते हैं तो पहली फूट जाती है।
अरे बल्लू शांति रख, शांति रख। तू तो चिंता मत कर चोखे, पूरा गांव छान मारेंगे और कन्हैया को ढूंढ निकालेंगे। हम पहले काम करते, हम पहले कन्हैया को ले आते। लेकिन कन्हैया है कहाँ? कन्हैया कन्हैया नहीं, कहाँ नाम है ससुर? बाजे बाजे। लेकिन बाजे कहाँ? बाजे कहाँ हमको पता? बाजे कहाँ हमको पता? पहले हम बाजे को उठा के लेके आते, ना कन्हैया उसको मारेगा और ना ही वो जेल जाएगा। हाँ। और बाजे कहाँ है हमको पता? हाँ। है। चलो, 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 चलो। अरे लगता है कोई पहरे पे है। अकेला है, निपटा डालेंगे। बाजे, क्या क्या हुआ? कन्हैया बाहर खड़ा है, उसके सर पर खून सवार है। क्या? वो आज तुझे जन्नत जरूर भेजेगा। वो मुझे मारेगा, उससे पहले उसका सर तोड़ दूंगा। और उनकी तो एक मिनट में हम लोग हेकड़ी निकाल के रख देंगे। ससुरे के साथ पूरी फौज है, लेकिन हमने भी चाचा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुहूर्त से पहले कुल्लू के बच्चे को उठा कर लाऊंगा। बोरी तैयार है? हाँ। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा? वो यहीं कहीं है, छोड़ेंगे नहीं। अरे इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? तेरे खटारे की आवाज रेलगाड़ी से भी ऊंची है बे। कितने लोग हैं? वो तीन हैं और हम चार। हम पहले उनको पीटेंगे और उसके बाद तुम। हाँ मालूम है, मालूम है। मैं बाजे पे बोरी डालूंगा, कस के बांधूंगा और लेके जाऊंगा। बाकी का तुम तीनों संभाल ले। ठीक है ठीक। जरा झांक के देख क्या हो रहा है। आओ। से मारते हैं क्योंकि मुझे उसके मुंह से चींची चींची सुनना है। मैं बाहें तोड़ता हूं। तू? अरे जोसेफ तुम? साजिद कहता है कि नहीं। हां कह रहा है, खोल दो बोरी। अरे सियाने सिंह, अगर फुदक कर भाग गया तो फिर मांग कैसे भरेगा, फेरे कैसे लेगा? तो बोरी खोल कर उसके हाथ पे बाहर निकाल लेते हैं। लाओ कैंची लाओ। चलो बैठ। ये ले मंगलसूत्र बांध। मंगलसूत्र बांध, नहीं तो तेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दूंगा। चल बांध, चल बांध। हाँ अब खोल दो। अरे ये तो बाजे है। जो भी हो, का फर्क पड़ता है? तोहरी बेटी के बच्चे के लिए एक बाप तो मिल गया। नमस्कार। क्या बात है? मैं आपके घर गया था, बच्चे ने कहा आप शादी में गए। हाँ शादी है ना, देखो। तब से ढूंढ रहा हूँ आपको। आप तो 10-15 दिन के बाद आने वाले थे ना। हाँ
लेकिन मेरी बच्ची का एग्जाम है कल से, उसके बाद मेरा घर से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने तगादा लगाकर आपका काम कर दिया। ये रहा आपका पैसा। एक एक करोड़ का एक नोट? नहीं नहीं, ये डीडी है। दीदी? दीदी भांजी बीवी नहीं। ये कागज आप बैंक में दिखाएंगे तो बैंक वाले आपको पैसे देंगे, ठीक ना? बिल्कुल। गांव में कदम रखते ही शुरू हो जाती है सर्दी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे दावत खा के। थैंक यू, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। जा रहा। दीदी मिल गई, एक करोड़ की दीदी मिल गई। भगवान ने दोनों हाथों से भर भर के दिया, पैसा भी दिया, शादी भी हो गई। हाँ मैं पति बन गया और तुम सब लखपति। मेरे होते हुए इस गांव में कोई अमीर नहीं बन सकता। मरते दम तक तुम लोग मेरी गुलामी करोगे। जीजी यहाँ मत बोल, वो इंस्पेक्टर भागा जा रहा है। इससे पहले वो गांव छोड़ के जाए, उसे रोक के सब कुछ सच सच बता दे। चल हाथ पीछा करना उसका। चल अब तू भी चल। अरे वो लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है, डायन को रोको। अरे तुम हमको करने के जा रहे हो। चल बल्लू चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
लेकिन ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी बेटी का एग्जाम है। तुमने कछु किया ही नहीं। और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। आप चले जाइए यहां से और दोबारा भूलकर इस गांव में आना भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो हमें आपसे कहना चाहिए थैंक यू। थैंक यू। दीवाना हुआ है बेकरार, अब चाहे रूठे दुनिया करना है तुझसे प्यार। दिल दीवाना हुआ है बेकरार, अब चाहे रूठे दुनिया करना है तुझसे प्यार। बदला बदला ये मौसम देखो बदले बदले अरमान, प्यार में जीना प्यार में मरना कसम ली है मेरी जान। जान गई जो दुनिया सारी, प्यार किया नहीं चोरी चोरी, दिल दिया अब जा भी हारी। बिगड़ा मेरा हाल ये अजूबा हुआ कैसा कमाल, जी गए सब और हो गए माला माल। देखते रहिए गांव की हालत क्या हो गई भगवान, रूखी सूखी खाते थे वो बांटे है पकवान। बूंद बूंद पानी के प्यासे झूम झूम अब कोल्ड ड्रिंक पीते, घूम घूम जो भीख मांगे हो।